प्रॉब्लम क्या है सर? इस वक्त किससे बात कर रही है? ये क्या है, इसे खोलिए ना सर। रतीश, मुझे टेंशन मत लो, तुम्हें नहीं पता मैं कितना परेशान हूँ। या ये देख, ये क्या है? ना देख, बढ़िया सर, आपके पास वो वाला वीडियो है? कौन सी? वो सोलार वाली लड़की की। नहीं यार, मेरे पास एक नई वीडियो आई है, ये देख। वाह, HD में। सर मुझे भी सिम कार्ड क्लियर दिख रहा है ना? सर हाँ, चाहिए क्या? चाहिए सर, भेज दो। ठीक है, भेज देता हूँ। पर बीवी ने पकड़ ली तो मेरा नाम मत लेना, समझा? सर आपका नाम कोई अपनी वाइफ को बता सकता है? क्या बात कर रहा है, देख तो आया क्या? हाँ घूम रहा है सर। मैंने सेंड कर दिया। हाँ हाँ घूम रहा है, घूम रहा है। हाँ सर। अरे उठाना। हेलो, रजीत सर है क्या? हेलो सर, आप स्पॉट पर पहुंच गए? हम अभी BSNL टावर के पीछे उसी स्ट्रीट कैफे के पास में हैं। हम लोग BSNL टावर के दाहिनी तरफ रोड पर हैं, आप वहाँ आ जाओ। लेकिन सर बाहर बहुत बारिश हो रही है। आपको बारिश से डर लगता है? वो अभी ऑनलाइन है। हाँ ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर। हम आ रहे हैं सर। पीछे आइए। वर्कला में मेरी एक बहन है, बहन का नाम सिसिली है, वो PWD में क्लर्क है। मेरे जीजा जी दुबई में नौकरी करते हैं, अभी वो यहीं हैं। उनसे हमारे संबंध ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर बहस हुई थी। हेलो हेलो, सुनो सर, तुम्हें ऊपर बुला रहे, जाओ। ठीक है, चलो जल्दी जाओ, चलो चलो। सर सर क्या है? सर, बोलो। अनिस सर ने बुलाया था मुझे। कभी सर क्या अपडेट? हाँ, रिपोर्ट आज शाम को सबमिट हो जाएगी, हमने प्रोड्यूसर एसोसिएशन को इन्फॉर्म कर दिया। पैरासी स्क्वाड का इंतजार कर रहे हैं। सर पहले न्यूज़ मुझे देना। ठीक है ठीक है, हमारे चैनल के लिए अच्छा होगा ना सर। वेनू आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे आप पर भरोसा है, बाकी बातें वहीं करेंगे। बस आपकी थोड़ी मदद, अभी फोन रखो सर, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक है। रामनाथ, जो वीडियो सोशल मीडिया पर तुम्हारी पत्नी के नाम से वायरल हुआ है वो वीडियो फेक है, ये तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। ये एक संस्कारी महिला है, ये क्लियर करने के लिए साइबर या फॉरेंसिक रिपोर्ट की जरूरत है। हमें चाहिए सर। मुझे एप्लीकेशन दो। ये रहा सर। हम इसे तिरुवनंतपुरम में फॉरवर्ड करते हैं, वो साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट भेज देंगे, फिर हम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे ताकि तुम्हें मिले। प्रथम सर, रिपोर्ट अगर कोर्ट में पहुंची तो मीडिया वालों को मौका मिल जाएगा, इसमें थोड़ा रिस्क है। देखते हैं, परेशान मत होइए, आप जाइए, मैं कॉल करता हूँ, भरोसा रखो। ठीक है चलो। सर आपने मुझे बुलाया सर? मैंने तुम्हें सुबह आने के लिए कहा था, तुम अभी आ रहे हो? सर बात को बढ़ाइए मत सर। बस अब कुछ मत बोलो, कल वो लड़की और उसकी माँ यहाँ पर आकर रो रहे थे। चल अपना मोबाइल निकाल जल्दी से, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है तू? मोबाइल दिखा, चल निकाल। सर प्लीज सर, वहाँ जाकर खड़ा हो जा। मेरा फोन सर, वो मुझे कॉल कर रही थी, मैंने उस केस का प्रिंट आउट निकाल कर रख। हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब ठीक है ना? मुझे ये बताओ कि तुम छुट्टी नहीं मिली, तुम्हें पता है वो ATM रॉबरी वाला केस फेक निकला, तिरुवनंतपुरम पुलिस स्टेशन में सूचना भेज दी गई। इन्होंने ATM कार्ड पर अपना पिन लिख के रखा था। अरे ATM कार्ड पर अपना पिन कौन लिखता है? बता दिया समझा मैंने, पहले तुम इनका ATM कार्ड ब्लॉक कर दो। अनीस सर इंटरनेट डाउन चल रहा है। अरे मैं खुद अपने डेटा कार्ड से काम चला रहा हूँ, ये साइबर सेल है,
बैजू सर कहाँ पर है? वो प्रथम सर के केबिन में है। अच्छा संजय, चेन्नई पुलिस को एफआईआर कॉपी भेजी। हाँ, अलाइन नहीं है। हाँ, अलाइन नहीं है, उन्हें पकड़ लिया। जॉय सर कहाँ? वो उधर है सर। जॉय सर, आपकी साइन चाहिए यहाँ पर। उस प्रोड्यूसर का दिमाग खराब हो गया है। कोई फिल्म लिख रहा है, पक्का अंदर जाएगा। समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? हाँ आंटी, वो आपका पैसा है, कार्ड पर कभी पिन कोड मत लिखना। इनका काम करके जल्दी आना। हाँ, तुम्हें अच्छा। किसने बुलाया था? अनवर सर। और क्या हाल है तुम्हारे? वहाँ पर चाय रखिए, पी लेना। कौन अनवर? अनवर रशीद सर। अनवर रशीद, फिल्म प्रेमम के प्रोड्यूसर। हाँ देखो, ये केस अब क्लोज हो चुका है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। फाइल क्लोज हो गई है, तुम लोग जाओ। सर उनसे मिलकर भी कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ अभी। आप आगे से अपने कार्ड पर पिन कोड मत लिखना माजी, ये सब चीजों का ध्यान रखा कीजिए आप। जॉय सर, हैं? आपको प्रेमम पायरेसी केस याद है? हाँ? लगता है हमारे हाथ जो लगा था वो ब्लंडर था। हैं? ये तुमसे किसने कहा? वो दो बेवकूफ वहाँ खड़े हैं। नाम क्या बताया तुमने अपना? एंथनी। और तुम? विनय दास। विनय दास, तुम क्या करते हो? बेकार हो। मैं काम करता हूँ, मैं कुरियर बॉय का काम करता हूँ कोची में, ब्लू कार्ड। तो मैं बैंक की कोचिंग कर रहा हूँ सर, अभी मैं पार्ट टाइम चेकिंग में काम कर रहा हूँ सर। बीटेक किया है? हाँ सर, कंप्यूटर साइंस। तो बीटेक ग्रेजुएट लोग कह रहे हैं कि प्रेमम केस में हमसे गलती हुई है। सॉरी, ऐसा नहीं है सर। क्या कहना चाहते हो? खैर, दोनों अभी जवान है, सिनेमा में काम करना चाहते होंगे, तभी तो उस प्रोड्यूसर अनवर रशीद से दोस्ती की होगी, ताकि छोटा सा रोल मिल जाए, और क्या होगा। खैर छोड़ो, उस लड़के का केस आया कि नहीं देखते हैं आप क्या बोलती है। चलो हाँ, देखते हैं। देख लो इस केस का भी क्या होता है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, अब तुम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो। 29 मई को प्रेमम के रिलीज होने के पहले दिन दोपहर 2 बजे किसी ने तमिल रॉकर्स वेबसाइट पर फिल्म को अपलोड कर दिया। दैट्स द मेन कॉज ऑफ उसी दिन पुलिस ने चेन्नई के अंदर एक सीडी आउटलेट प्रिंट्स को सीज किया। उन्होंने उस एजेंट को भी ट्रैक किया जिसने प्रिंट सप्लाई की थी। उनके जरिए हमने तमिल रॉकर के एडमिन को भी अंदर किया। उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके पता चला तमिल रॉकर साइट पर जिसने अपलोड किया वो न्यूजीलैंड का कोई आदमी है। अब न्यूजीलैंड जाकर उसे पकड़ना और उससे सवाल करना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पायरेसी इज नॉट अ क्राइम इन न्यूजीलैंड। सर तमिल रॉकर साइट पर पहले प्रिंट नहीं अपलोड की गई थी, फिर उसके एक दिन पहले यूटोरेंट पर भी मौजूद थी। जो फाइल तमिल रॉकर पर मिली वो वहीं से डाउनलोड की गई होगी। हाँ, क्योंकि दोनों कॉपी पर सेंसर बोर्ड का वाटरमार्क लगा हुआ था। सर हमने बीटेक के दौरान ये प्रोजेक्ट किया था, इसे मेटाडेटा एनालाइज कहते हैं। इसके इस्तेमाल से हमें इंटरनेट पर अपलोड हुई हर फिल्म की जानकारी मिल जाती है। डिटेल्स मतलब अपलोड करने का टाइम, साइज और बहुत कुछ पता चल जाता है। तो सर कुल मिलाकर वहाँ 6 फाइल्स थी, सभी साइज को मिलाकर कुल साइज 960 MB थी। इस साइज की फाइल को अपलोड करने में लगभग 1 घंटा 50 मिनट लगता है, मतलब 110 मिनट्स लगे होंगे। जैसे कि 1 मिनट में 8.72 डेटा ट्रांसफर होता है, जिसका मतलब है 1 सेकंड में 0.14 MB। सर केरल के रूरल एरिया में BSNL की एवरेज स्पीड 0.14 MBPS होती है, मतलब ये फाइल केरला में ही अपलोड की गई होगी। बशीर सर, जॉनी सर को यहाँ भेजो। सर फाइल प्लीज। जिसी मैं एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके सर, हम इसकी बात कर रहे हैं। सर जरा ये देखिए, 28 मई रात के 11:25 पर, जिसका मतलब प्रेमम के रिलीज होने से एक दिन पहले, इस फिल्म की सेंसर कॉपी को यू टोरेंट पर अपलोड किया गया। खैर अपलोड कंटेंट के आधार पर हमें आईपी एड्रेस मिला था और हमने उसे चेक भी किया था कि वो असली है या नकली, यही प्रोटोकॉल होता है। लेकिन सर टोरेंट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कभी नहीं करता। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो आप गवर्नमेंट से इसके आईपी एड्रेस की मांग कर सकते हैं, है ना सर? इसमें जरा वक्त लगता है पीटर। लेकिन सर अगर उन्होंने प्रॉक्सी सर्वर का यूज करके अपलोड किया होगा तो हमें जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो अफ्रीका या नाइजीरिया का दिखाई देगा। सर हीरो के नाम की आईडी से अपलोड किया गया है, अगर हम उसे सर्च करते हैं तो उसमें प्रोफाइल पिक्चर एक डॉग की मिलती है। अपलोडेड फोल्डर में कुल 7 फाइल्स हैं, उनमें से 6 प्रेमम फिल्म की सेंसर कॉपी की MP4 फाइल है और 1 वर्ड फाइल है। ये तो पूरी ब्लैंक फाइल है, हम इसका क्या करेंगे?
सर, जब हम वर्ड फाइल बनाते हैं तो सिस्टम के यूजर नेम में जाकर प्रॉपर्टी लिस्ट में ऑथर नेम में ये वर्ड फाइल शो करती है सर, जिसका मतलब ये उस सिस्टम का ओनर है जिसने ये फाइल इंटरनेट पर अपलोड की है। बाबूराज, ये बाबूराज इस केस से पक्का कोई संबंध रखता है सर। या तो ये वर्ड फाइल दूसरी फाइल अपलोड करते वक्त गलती से हुई है, या फिर इस फाइल को अपलोड करने का कोई पर्पस भी हो सकता है। पर इस केस को समझने के लिए सबसे पहले इस बाबूराज तक पहुंचना होगा। अच्छा, क्यों ना केरल में रहने वाले सभी बाबूराज को हम लाइनअप करके पूछताछ करें। सर, पूरी दुनिया में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? सर, इस बाबूराज को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें प्रेमम फिल्म के क्रू को खंगालना होगा। हमें डायरेक्टर और टेक्नीशियन से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए सर। प्रेमम पायरेसी केस में एक नया मोड़ आया है। हेलो सर, बस 10 मिनट, मैं लिस्ट देख रहा हूँ। ये क्रू की लिस्ट पूरी चेक करो। स्टूडियो से मेल अपने समय की बर्बादी की जा रही है। वो प्रेमम फिल्म से जुड़े सभी लोगों की जांच भी कर रही है। मैं यहाँ हूँ। ये लो सर, फिल्म चैम्बर में मुझे एक डायरेक्टरी मिली है, उसमें बहुत सारे फिल्म टेक्नीशियंस के नाम है। सर, विस्मया स्टूडियो में हार्ड डिस्क मैं ही लेकर गया था। हेलो बाबूराज। हेलो, मैं सलाम आर्ट टेक्नीशियन। सलाम, कौन? कहाँ हो तुम? मैं शूटिंग में। कौन सी फिल्म की? तुम्हें ये क्यों जानना है? हेलो, कौन हो तुम? सलाम सलाम। सलाम कौन? बेवकूफ, फोन मिलाने से पहले नंबर देख जाकर। मैंने 2 साल अनवर को असिस्ट किया है। आनंद और अल्फोंसो दोनों ही डीआई शूट के लिए आते हैं। 12 बजे साइबर पुलिस अल्फोंस कुतरान के अलुआ वाले फ्लैट पर पहुँच रही है। फिल्म थिएटर में धमाल मचाने वाली थी, पर ऐसा होगा मुझे पता नहीं था सर। इस इंडस्ट्री में काफी लोग हमारा भला नहीं चाहते हैं। भाई, ये ऑनलाइन मीडिया जो कह रही है इसमें कुछ बातें तो सही हैं। तिरुवनंतपुरम की एक लॉबी है जो ये चाहती है कि प्रेमम फिल्म कभी भी 50 करोड़ क्लब में ना पहुंचे। हमें इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हमें इस लॉबी के इन बाबूराज नाम के 7 लोगों की डिटेल्स निकालनी होगी। लिस्ट में मिले 7 बाबूराज में से अभी 3 लोग इंडस्ट्री में एक्टिव है। मैंने उन 3 की कॉल लिस्ट निकाल के रखी है। एक नंबर से प्रियदर्शन के कॉल पर 26, 27 और 28 मई को लगातार कॉल किया गया है। यह है बाबूराज कालियत। तिरुवनंतपुरम में इसकी रिश्तेदारी है। प्रियदर्शन के प्रोडक्शन हाउस से इसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, वो भी 29 मई को, जिस दिन प्रेमम रिलीज हुई थी। इस चक्कर में कहीं तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हेलो सर, जॉय सर ने रुकने के लिए कहा है। ठीक है ठीक है। सर, ये फाइल प्रियदर्शन स्टूडियो से फाइनल मिक्स का कॉपी सेंसर के लिए गई थी, पर इनके फैंस के बीच एक अफवाह उड़ी थी कि कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री के साथ गेम खेल रहे हैं ताकि दृश्यम फिल्म 500 मिलियन का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो गेम क्लियर है सर। पर टॉप अथॉरिटी के बिना कैसे? अगर बात अथॉरिटी तक गई तो बहुत समय लगेगा सर। ये एक अपॉर्चुनिटी है। कार में चलो। अनिश्चित, तुमने वहाँ किसी से बात की? तिरुवनंतपुरम में अनुप नाम के एक इंसान से बात हुई है। क्या कहा अनुप ने? सर, वो तिरुवनंतपुरम में ही होगा। नंबर एक्टिव है लेकिन नेटवर्क की वजह से स्विच ऑफ बता रहा है। हम साइबर क्राइम से आए हैं। बाबूराज सर, हम सुबह से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं, शायद स्विच ऑफ या आउट ऑफ रेंज बता रहा है। इसमें तो नेटवर्क दिखा रहा है, सही भी है। पासवर्ड क्यों लगा है? अपना पासवर्ड बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सुनो, तुम लोग केबिन में मिले सारे डेटाबेस कलेक्ट करो। आपको मेरे डेटाबेस में डिटेल्स मिल जाएंगे सर। हम यहाँ 2 बातें जानने आए हैं। अच्छा, पहली, 26, 27 और 28 मई को बिल्कुल प्रेमम रिलीज होने से 3 दिन पहले तुमने डायरेक्टर प्रियदर्शन से फोन पर लगातार बातें की। क्या बातें हो रही थी? और दूसरी बात, तुम्हारे बैंक अकाउंट में
प्रियदर्शन के ऑफिस से 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं, किस लिए? मैं काफी दिन तक प्रियन सर का एसिस्टेंट नहीं था। कमाल है, तुम हमसे पूछ रहे हो? हाँ, मैंने उनके साथ फिल्में की है। तो सर, इसी को तो हम ढूंढ रहे थे। किसी फिल्म में प्रॉब्लम हो गई है क्या? सुना है तुम रिश्वत देकर फिल्म यूनिट को लालच दिया करते थे। सर ये सब क्या है सर? सॉरी नहीं है सर। बैंक स्टेटमेंट कहाँ पर है? इधर इधर, बैक बैक, फोल्डर ओपन करो। तो प्रियदर्शन से तुम्हारे अच्छे संबंध? बिल्कुल सर, वो मेरे गुरु है सर। हम अक्सर फोन पे बातें करते हैं। जब वो त्रिवंतपुरम आते हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए पंकज होटल जाता हूँ। तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए 1.5 लाख रुपए? सर आपको पता है प्रियन सर ऐड बनाते रहते हैं, तभी इन्होंने मेरी मदद के लिए मुझे ऐड दिया था। उसी ऐड से मुझे 1.5 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे। मेरे पास प्रूफ है सर। सर इसे चेक कीजिए। काफी प्रूफ है, देखने दो। सर ये कोई डाटा नहीं है, माता रानी के मोटिवेशनल भजन है सर। जरा चेक कर लेता हूँ सर। ये क्या पकड़ो, क्या है? बिल्डिंग तुम्हारी है? हाँ, दहेज में मिली थी सर। नहीं नहीं, दहेज में नहीं, मेरा मतलब ये मेरी पत्नी के बाप की प्रॉपर्टी से मिली थी। काफी माल है। सच कह रहा हूँ सर। सर हमने गलत समझ लिया सर। क्या बकवास है सर, अब से मैं ये सब नहीं सह पाऊंगा। इससे डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा। तिरुवनंतपुरम लॉबी, कोचिन लॉबी, इसकी तो छोड़ो ना बशीर भाई। मुझे लगता है सर हमें बाबूराज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों तक हम नजर रखते, पता चल जाएगा। उस पर नजर रखने से क्या होगा अनिस, हमने उसका पूरा ऑफिस छान मारा, हर फाइल क्रॉस चेक की। वो चेहरे से एक नंबर का फट्टू लगता है। और यहाँ केरला पुलिस इन लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई है। हर चीज का प्रोटोकॉल होता है। सर मैं कह रहा था। ए तू चुप रे, बिना जाने कुछ भी मत बोला कर। सर तुम्हें पता है केरला पुलिस ऐसे मिशन पर कितना सारा पैसा खर्च करती है? अभी तक पिछले मिशन का पैसा वापस नहीं आया, और उसे भी तुम अपना तमाशा लेकर आ गए। लेकिन सर वो लोग शक के घेरे में सर। सॉरी सर। सुन बच्चे, अपनी गलती को मत छुपा। चलो छोड़ो, करके बैठ। ये सब केस में चलता रहता है, हम कोई रास्ता निकालते हैं ना। सर अब भगवान के लिए आप अपना मुंह बंद कर लो, फालतू। सर हम लोग यहीं उतर जाएं क्या? हमारी बात का बुरा मान गए? ऐसी बात नहीं है सर। फिर क्या हुआ, कोची जाना है ना? अंदर बैठो यदासन, अंदर बैठो। एक्चुअली सर हमें इधर कुछ काम था इसीलिए। कैसा काम? ज्यादा बहाना मत बनाओ, चलो अंदर बैठो। प्लीज सर अभी हमें जाने दो, बाद में कॉल करते हैं। सॉरी सर। चलो जाने दो सर। कैसे चलेंगे हम? बस से निकल जाएंगे। ए हां हां, बाकी के पैसे कहां हैं? कैसे पैसे? चाय में जो पैसे बचे थे। ओह सॉरी सॉरी, भूल गया था सर। ठीक है। क्या हुआ है तुम्हें बशीर? बच्चे हैं वो। ठंडा रखो सर, हमें इन लोगों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। साइबर पुलिस एक बार फिर से नाकाम रही। फिल्म लाइन से जुड़े कई ऑफिस में पुलिस ने छापामारी की, पर अभी तक उन्हें फिल्म की सेंसर कॉपी का कोई भी सबूत नहीं मिला। जांच की प्रक्रिया जारी है। यार मैं थक गया हूँ। पता है कितने दिन से हमने इस पर मेहनत की है, कुछ काम नहीं आया, और बेइज्जती हुई अलग से। अभी इसे बंद कर और कहीं दूर दरिया में फेंक दे। सुन रहे हो इंजीनियर साहब, बस एक काम करो, रोज सुबह नहा धोकर नीली यूनिफॉर्म पहनकर भीख मांगने बैठ जाओ। फिर हमें क्या करना चाहिए? कोई हमें फुल टाइम जॉब देगा क्या? लेकिन मेरे भाई पार्ट टाइम जॉब से भी तो अपना खर्चा पानी चल रहा है ना। इंजीनियरिंग पास किए हुए कितने दिन हो गए हैं, अभी तक अच्छी जॉब मिली? ये देख उसका मैसेज आया है, वो कह रही है कि मैं उसके बाप से बात करूं। अब मैं उसके बाप से क्या कहूंगा? लदे हमें खुद को साबित करना ही होगा, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। हमें उसे ढूंढना ही होगा। मुझे बेकार और नकारा मत समझना, तुम्हें वो बाबूराज चाहिए ना? अब रुको और देखो, इसे फेसबुक पे सर्च करते हैं, देखता हूँ इसमें बाबूराज नाम के कितने लोग हैं। हम उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें ढूंढेंगे। इसमें सिनेमा से जुड़े लोग भी तो होंगे, कोई कुछ भी छुपा नहीं सकता। ए, रुक जरा पीछे जा। ये हाँ, ये तो वही कुत्ता है। हाँ यार ये तो वही है, फोटो दिखाना। देख वही कुत्ता है ना? हाँ ये दोनों कुत्ते एक जैसे हैं। ये इसे कॉपी किया गया है। यही से कॉपी लगता है। देख ये कहाँ का है? ये फेक नहीं, ओरिजिनल अकाउंट है। ये काजरकोड़े में बस ड्राइवर है। चल जल्दी। क्या चल? कहाँ? इसके बारे में चौहसर को बताते हैं। अपना मुंह बंद कर और चल मेरे साथ। लगता है आज रात घर नहीं जा पाऊंगा।
मम्मी मैंने कुछ दिन के लिए चीट फंड से पैसे निकाल लिए हैं। चुपचाप पैसे रख दे वहाँ। कहाँ ना पैसे रख दे? पक्का वापस कर दूंगा। अगर वो अरे पैसे मांगने आए तो मैं क्या कहूँगी? वो लोग बाहर खड़े होकर हंगामा करते हैं। ठीक है ठीक है रख रहा हूँ। मैं बस 500 रुपए ले जा रहा हूँ। ठीक है अगले हफ्ते खाना तो खा के जा। नहीं मैं बाद में खा लूंगा। पहले खाना तो खा ले। इतनी रात में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हमें कुछ काम है। अगर सिगरेट खरीदी ना तो तुझे जिंदा जला दूंगी। मेरी चप्पल तो नहीं पहन के जा रहा। अबे तेरी मम्मी सिगरेट कैसे डाल रही है? हम बाद में आकर खा लेंगे। चल बैठ जल्दी। मैं पूछ रही हूँ ना कहाँ जा रहा है तू? चल। मुझे दसान ने बता दिया है कहाँ जा रहा है। हम यही काजरकोड़े के पास ही जा रहे हैं। काजरकोड़े सुबह की बस निकलने वाली है। बहन जी यहाँ बाबूराज नाम का कोई रहता है? हाँ, वो ड्राइवर ना। वो ड्राइवर है? हाँ वही ड्राइवर। कहाँ है वो? वो ड्यूटी पर नीलेश्वरम गए हैं। 8:30 बजे तक आ जाएंगे। उनका नाम बाबूराज थॉमस है? हाँ हाँ वही लंबी दाढ़ी वाले ना। थैंक्स बहन जी। हेलो। हाँ बोल। वो यही रहता है। नीलेश्वरम की बस यहाँ 8:30 बजे पहुँचेगी। वो बस का ड्राइवर है। बॉटल देना। काजरकोड से बंगलोर की बस कुछ ही देर में निकलने वाली है। अबलाम के लिए जाने वाली बस अपने स्टैंड पर खड़ी है, जाकर बैठ जाएं। सर बंदड़का के लिए बस कब आएगी? 8:30। अच्छा ठीक है। हे एंथनी। क्या हाल है बाबू? ए सतीश, टायर बहुत पुराना हो गया, इसे बदलवा लो। हाँ शाम को बदलवाता हूँ। नया खरीद लो। शाम तक ले लूंगा। ध्यान दीजिए, काजरकोड से सुबह की बस निकलने वाली है। काजरकोड से जल्दी चल। बंगलोर की बस कुछ ही देर में निकलने कहां वाली गया है। वो? तू वहां जा, उस तरफ जा। क्या है? तुम बाबूराज हो ना? क्या चाहिए भाई? हम आपको ढूंढ रहे थे। हमारे पास आपके फेसबुक अकाउंट की सारी डिटेल्स हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? भाई जरा इसे देखो, ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल है ना? कौन सी? अरे मेरे भाई ये देखो, मुझे बस ये चलाना आता है। जब मेरा फेसबुक ही नहीं है फिर कौन सी डिटेल्स निकाली है? बोलो तुम दोनों। देखो अगर ऐसा है तो प्रीमियम की प्रिंट किसने अपलोड किया है? हां ये पुलिस केस बन सकता है। सच सच बताओ। मेरा दिमाग का कचरा मत कर। बिना जवाब दिए आप यहां से नहीं जा सकते। का कोई फायदा नहीं है। कल पुलिस आएगी तो वो तुमसे जवाब मांगेगी। पुलिस? हां क्यों नहीं। पायरेसी के केस में जेल जाओगे। पायरेसी? अगर तुम इसी तरह अपनी बात पर अड़े रहे तो पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करेगी, फिर तुम्हारी फोटो पेपर में छपेगी, नौकरी भी चली जाएगी। सुनो तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं नहीं हूँ, समझ गए? तुम फंस जाओगे देख लेना। भाई जरा ये देखो, ये आपका कुत्ता है ना? ये वाला? ये हमारा टॉमी है। वर्कला में मेरी एक बहन है, ये उसी का कुत्ता है टॉमी। बहन का नाम सिसिली है, वो PWD में क्लर्क है। मेरे जीजा जी दुबई में नौकरी करते हैं, अभी वो यहीं हैं। उनसे हमारे संबंध ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर बहस हुई थी।
का एक बेटा है, वो वर्कला में VHSC स्कूल में पढ़ता है। जेरी, क्या हुआ सर? क्या बात है? कुछ बात हुई है क्या? क्यों बुला रहे हो? क्या बात है सर? सुनो, नीचे आओ। आओ। क्या हुआ बेटा? नीचे आओ। शुतुरमुर्ग की तरह क्या घूर रहा है? नीचे आ। क्या बात है सर? आ जाओ बच्चे, दिमाग की दही कर दी तुम। आओ बैठो इधर, बैठो। जी क्या हुआ सर? क्या प्रॉब्लम है? इसने क्या किया है? प्रॉब्लम ना होती तो इतनी रात को यहाँ क्यों आते? क्यों बच्चे, यहाँ बात करोगे कि साथ चलोगे? वैसे आपको पता नहीं, आपके बेटे ने नया बिजनेस शुरू किया है, काफी पैसे कमाता है इंटरनेट पे नए फिल्म्स अपलोड करके, है ना? जी बेटा, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? सर इसके कमरे में ही होगा, मैं लेकर आता हूँ। पासवर्ड क्या है इसका? पासवर्ड बताओ। 1 क्या? 1 2 3 मादर। तुमने अपने मामा के नाम से फेसबुक अकाउंट बनाया था? बोलो। ये आपके भाई के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर ये कैसा गैर कानूनी काम करता है आपको पता है? जेरी को अपने मामा से क्या दुश्मनी हो सकती है? मम्मी पापा उन्हें पसंद नहीं करते हैं, मम्मी ने उनसे बात करने को मना किया है। सुना आपने क्या कह रहा है बेटा? बसीर, क्या है इसमें? सर कुछ मिल नहीं रहा है। प्रिंट कहाँ है? तू ट्राई करना। सर मैं करता हूँ। बसीर इसे करने दो, मैं निकालता हूँ। हाँ चलो बच्चे ट्राई कर ले। मैंने सब सर्च कर लिया है। सब पढ़ाई का मटेरियल है। हाँ बायोलॉजी काफी पसंद है ना इसे? हाँ काफी स्मार्ट बच्चा है। हाँ सर सारी फाइल्स इसी में है। तुम्हें ये प्रिंट कहाँ से मिली? मुंह खोल अपना। अरे नहीं, इस तरह मत डराइए सर उसे। बोल बेटा। रखो इसे, देखिए हम इसे साथ में ले जा रहे हैं। सर प्लीज। जॉय कल सुबह वर्कला स्टेशन में मिलो। सर उसे कहाँ ले जा रहे हैं? उससे पहले हम इसका बयान लेंगे। ले चलो सर, चलो सर प्लीज इसे छोड़ दीजिए। सर जॉय इसे स्टेशन लेकर पहुंचो। तुम मेरे साथ चलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मारिए, पीटिएगा मत। अगर तुमने हमें कोऑपरेट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम तो अभी बच्चे हो, इस उम्र में जेल जाओगे तो पता है तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता है हम इतने रात में क्यों आए? ताकि मीडिया और लोगों के जाने बिना मामले को निपटा सके। अगर तुम ऐसे शांत रहोगे तो बताओ कैसे चलेगा? देखो इससे बात नहीं बनेगी, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम्हें ये किसने दिया ये बता दो। बेटा बताओ मुझे, टेंशन मत लो, सच बोलो, प्रिंट किसने दिया था? अंजलि ने दिया था सर। कौन अंजलि? वो मेरी क्लासमेट है सर, मुझे उससे ही मिला था। पर कैसे जरा बताओ। 8th क्लास से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कौन सी क्लास है? 8th क्लास से सर। उसके पास हमारे 10th स्टैंडर्ड की कुछ फोटोज थी, मैंने फोटो कॉपी करने के लिए उससे पेन ड्राइव लिया था। एक फोल्डर के अंदर मुझे प्रेमम की प्रिंट मिली। वो प्रिंट पेन ड्राइव में कैसे आ गई? मैंने उसे पूछा था सर, उसे बिना रिलीज हुई फिल्म की प्रिंट कैसे मिली? उसने कहा कि वो बाद में बताएगी और मैं किसी को इसके बारे में ना बताऊं। सर वो एक अच्छी लड़की है सर।
अंजलि, तुमने जेरी को जो पेन ड्राइव दी उसमें वीडियो कहाँ से आया? मुझे कुछ नहीं पता सर। अभी हमने तुम्हारे पेरेंट्स या स्कूल में इन्फॉर्म नहीं किया है। किसी स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो इसीलिए लेडीज कांस्टेबल भी नहीं लाए। चलो बताओ तुम्हें क्या पता? अगर नहीं बताया तो ये गाड़ी सीधा कल्लमबलम पुलिस स्टेशन जाएगी। पूछताछ तो पुलिस ऐसे ही करती है। सर ऐसा मत कहिए सर, इसने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये अच्छी लड़की है सर। अंजलि रो मत अंजलि। पहले रोना धोना बंद करो। अंजलि अब बोलो। मेरे लवर ने दिया था। नहीं मैंने इसे कुछ नहीं दिया था, इसने ही दिया था। चुप, आगे बोलो। इसी ने वीडियो दिया था ना? मैंने नहीं दिया था। ये वो नहीं है। फिर अखिलेश। क्या अखिलेश? ये अखिलेश कौन है? वो सेंसर बोर्ड में सिस्टम ऑपरेटर है। तुम्हारा ये अखिलेश अभी कहाँ है? वो पुंथरा कॉलोनी में रहता है, बस यही बताया था। और मुझे कुछ नहीं पता सर। ये केस और केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बच्चों की तरह पेश आ रही है। इसमें और मेहनत की जरूरत है, इसमें अभी काफी टेंशन लेने की जरूरत है। मैं अपने सिस्टम से लो क्वालिटी सेंसर कॉपी क्यों किसी को दूंगा? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? सर ये करें। जॉय अखिलेश तुम ही हो ना? हाँ सर अखिलेश मैं ही हूँ। आप कौन? हम आप कौन? तेरी माँ के मर्द है। ये नई फिल्म थी तो मैंने सोचा क्यों ना देखी जाए। मेरी पूरी इमेज खराब हो गई सर, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं सर। अरे मेरी बात तो सुनो। ए, सुनो, जब ब्लू फिल्म सेव करते हैं सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल में रखने से कोई ट्रैक तो नहीं कर पाएगा ना? हाँ, फिर कोई नहीं ढूंढ रख सकते है ना? हाँ। क्या हुआ? इसे गबागब देखना पसंद है। काफी मशक्कत के बाद आखिर हमने उसे पकड़ लिया। हम कुत्ते के जरिए बाबूराज तक पहुंच गए, बाबूराज के जरिए जेरी तक, जेरी के जरिए अंजलि तक, और अंजलि के जरिए अखिलेश तक पहुंचे। अब हम लोगों से कह सकते हैं कि हमने केरला पुलिस की इस केस में मदद की है, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। सच कहूं तो ये हमारे लिए एक नई उम्मीद थी, शायद अब हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सके। अब बाकी का काम हम ऑफिशियली तरीके से कर लेंगे, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। हटो जरा। सर इन लोगों को लेके नहीं चलना है? हमेशा से हमारी किस्मत ऐसी ही रही है। 12th में हमारे अच्छे मार्क्स आए थे जिससे हमें सेलम से इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। तब से आज तक हम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हमने बिट और राइटिंग गैस से कुल मिलाकर 46 पेपर्स पास किए, पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। माय नेम इज एंथनी जॉर्ज। माय नेम इज विनीत हसन। आई एम 25 इयर्स ओल्ड। आई हैव मदर। माय फादर्स नेम इज जॉर्ज एंड ही इज नो मोर। माय पॉजिटिव्स आर माय फ्रेंडली नेचर दैट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन द फेस। माय नेगेटिविटी इज ओवर हार्ड वर्किंग। लगता है इंग्लिश की वजह से मुझे जॉब नहीं मिली। जब जरूरत होती है तो हमें कुछ नहीं मिलता। जरा देना, हमें CBSE बोर्ड से पढ़ना चाहिए था। भाई अगर हम लोग कोचिंग के लिए कोलम जाए तो कैसा रहेगा? हमने इंजीनियरिंग बैंक में काम करने के लिए की थी क्या? इंजीनियर घंटा। हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार सब के सब साइको हैं। उन्हें हर चीज में हमारी गलती ही नजर आती है।
हम इस पोजीशन में नहीं थे कि बैंक लोन भर पाए, इसी वजह से हम कॉल नहीं उठा पाते थे। मुझे कोई क्या कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे सिर्फ एक इंसान को जवाब देना था। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या? तुम किसे अपनी जिद दिखा रहे हो? हेलो मेरी बात सुनो, जिंदगी में खुश रहने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी, यही एक लड़की की जिंदगी होती है। वो 12th तक मेरे साथ थी, वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी, पर मुझसे प्यार भी बहुत करती थी। मुझे बस एक जॉब की जरूरत थी ताकि मैं उसके बाप से उसका हाथ मांग सकूं। जब भी मुझे कोई जॉब नहीं मिलती तो मैं यही सोचता कि भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अपनी जिंदगी तो बस यूं ही बीत रही थी। अभी कुछ ढूंढता हूं, चल अपना फोन उठा। सर, कट कट कट। सिगरेट पियोगे? नहीं नहीं सर, हम सिगरेट नहीं पीते। अच्छा है, इस सब का क्रेडिट साइबर सेल को जाएगा, पर एक्चुअल क्रेडिट तुमको जाता है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए सर, बस कुछ पैसों के लिए काम किया है। खुश हो ना? हाँ सर, थैंक यू सर। सर मेरी बात को गलत मत लेना सर, तुम्हें पैसा चाहिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए सर। फिर आपके पास हमारे लिए कोई जॉब होगी तो? कहाँ? साइबर सेल। ये थोड़ी मुश्किल है, पीएससी एग्जाम देना पड़ता है, पुलिस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए होती है साइबर सेल में जाने के लिए। तुम पीएससी की तैयारी करो। सर ये पीएससी का एग्जाम हमसे नहीं हो पाएगा। ट्राई तो करो। सर कोशिश कर सकते हैं। सर जरा एक मिनट। सच कहूँ तो सर, 12th के बाद बीटेक की पढ़ाई करना ही हमारे लिए बड़ी बात थी। हमें कोई जॉब नहीं मिल रही ना, इसलिए। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा हैं, एक बहन है। नहीं नहीं बहन नहीं है, वो 4 साल पहले ही मर गई। मुझसे बात करने में डर लग रहा है ना? सच सच बताओ मुझे, कुछ तो बात है ना? पहले मेरी बात सुनो। देखो मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। तुमने आज मिलने को कहा इसलिए मैंने अपने शब्द एडजस्ट किया। मैंने कहा ना तुमसे मैं मिलकर बात करूंगा, प्लीज इंतजार करो। मैं कब से वेट कर रही हूं? और कितना? प्लीज बार बार वही बात मत करो, मैंने कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। बाय। सर क्या अभी हम जा सकते हैं? ओके, ऑल द बेस्ट, टच में रहना वरना हम लोग भूल जाएंगे। क्यों जॉय? ठीक है सर, बाय बाय। ओके ओके। क्या हुआ, क्या बात हुई? कुछ नहीं, चल। अच्छे लड़के, कमाल है सर, कुछ तो करेंगे। काम नहीं है तुम्हें फिर भी कहाँ बिजी रहते हो? एटलीस्ट मेरी टेंशन लो, मेरी प्रॉब्लम समझो। ये सब तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ठीक है बोलो, क्या टेंशन है? तुम हो मेरी टेंशन। मैंने तुमसे पहले कहा था ना, मुझे जॉब मिल गई है, ऑफर लेटर भी आ गया है। आयरलैंड के सुपरनोवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिली है। पर मंथ 2 लाख सैलरी है। मैं तो जाना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या कहना है? अगर ऑफर लेटर आ गया है तो जाओ। क्या? वहीं जाकर सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर चाहो तो मुझे भी साथ ले चलना। क्या बात है एंथनी, अच्छी जॉब ढूंढ कर मेरी माँ से बात करो, वरना मुझे ही कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें ऐसे लड़के से मिलाऊं जो अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट हो। बी प्रैक्टिकल तो ठीक है, पर जॉब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? ट्राई तो कर सकते हो ना। इसने कहा कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूं। एंथनी मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। देखो मैं तुम्हें कोई उलझा नहीं रहा हूँ, आखिर मैं अपनी प्रॉब्लम किससे बताऊं? मैं थक गई हूँ, सच में हार गई हूँ। अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? एटलीस्ट खुद के लिए
जितना अपने दोस्तों के साथ सिंसियर हो उतना मेरे साथ नहीं हो सकते तुम। प्लस टू से झेल रही हो तुम्हें। ब्रेकअप करना है तो कर दो ना, इस तरह सीन क्रिएट करने का क्या फायदा। जब से तुमने आयरलैंड में 2 लाख सैलरी की बात सुनी है तब से मैं तुम्हारे लिए बेकार हो गया हूँ। तुम आयरलैंड जाओ और वहीं एंजॉय करो। भाई तुम अब भी वही सोच रहे हो? भूल जाओ यार, अच्छा हुआ उसने अभी ब्रेकअप किया, जो हो गया सो हो गया। वो आयरलैंड जा रही है ना, आयरलैंड हमें भी पता है कहाँ है। तुम्हें अभी आयरलैंड जाना हो तो बोलो। हैं? रामनाथ, तिरुवनंतपुरम से रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब उन्होंने वीडियो की डिटेल्स प्रोसेस की थी उससे हम कन्फर्म्ड हैं कि जानकी ही उस वीडियो में है। ये कैसे हो सकता है सर? तुम्हें क्या लगता है जिसने ये रिपोर्ट बनाई है वो सभी बेवकूफ और गधे हैं? उसमें ये नहीं है सर। ये तुम कह रहे हो कि वीडियो में ये नहीं है पर यहाँ प्रूफ रखा है, समझे? तुम नशे में धूत रहते होगे तो ये मजा मारती होगी। अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ होता तो क्या करती तुम? देख क्या कहा तूने? ए बशीर, सर आपको पता है इसमें हमारे को क्या बीती है? बशीर रुक जाओ। बशीर, जब इसने मेरे साथ रहने का फैसला किया तब भी मैं नशेड़ी था। मैं इसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ, तो सोचकर उसे बोलना चाहिए था। पुलिस हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। बैठ जाओ प्लीज। बैठो रामनाथ, चल 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 चल। बशीर सॉरी रामनाथ, आराम से बात करते। सर इसकी शुरुआत 7 से 8 महीने पहले हुई थी। एक भोली भाली लड़की को धोखा देकर कहीं और ये वीडियो बनाया गया था सर। मेरे अपने ही दोस्त ने सारी जगह ये खबर फैला दी थी कि रामनाथ की पत्नी बिली फिल्म में काम करती है। सर मैं ये 100 बार बोल चुका हूँ कि इस वीडियो में वो नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुनता है मेरी। सब यही मन में बिठा रखे हैं कि इस वीडियो में जो औरत है मेरी पत्नी है। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वीडियो को वायरल किया गया है सर। जहाँ भी जाता हूँ हर कोई कमेंट करते हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी की टीचर भी, यहाँ तक कि पढ़ने वाले बच्चे भी। मेरी बच्ची स्कूल नहीं जाती है सर, मेरे बहन के घर में रहती है वो, अपने ही घर में आने से डरती है वो, पता है आपको? आज वो अपने ही माँ बाप से नफरत करने लगी है। कोई कुछ भी कहे पर मुझे ये यकीन है कि वो मेरी पत्नी नहीं है। अब आप ही बताइए, दिल्ली जाऊँ, मुंबई जाऊँ या फिर यहीं रहूँ मैं? मेरी बेटी रहना चाहती है सर। हम भी यहाँ जीना चाहते हैं सर। चलो उसका चेहरा देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। उस वीडियो में उसकी पत्नी नहीं है, ये लोग वहां बैठकर कैसी रिपोर्ट बनाते हैं सर? हाँ कैसे हो तुम दोनों, तब से कोई कॉल भी नहीं किया? थोड़ा बिजी था सर। देखो मैंने तुम लोगों के काम से बुलाया, पिछले हफ्ते आईजी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी। हाँ। वो साइबर सेल अपग्रेड करने की बात कर रहे थे, वो अभी टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों को इंटर्नशिप देने की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑर्डर आने में 2 हफ्ते लग जाएंगे, कैसे और किसे भर्ती करना है ये मुझे ही करना है। अगर तुम दोनों चाहो तो हम तुम्हें ज्वाइन करा सकते हैं। हाँ। और तुम हमें केस में असिस्ट करना। हाँ सर। पर पुलिस को जितना मिलता है वो सब तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ।
ये टेम्परेरी पोस्टिंग की जैसे होगी, पर पूरी तरह से नहीं, लगभग 10,000 सैलरी मिल जाएगी। हाँ। लेकिन दूसरी नौकरी की तरह तुम यहाँ परमानेंट नहीं हो पाओगे। ठीक है सर। तो क्या तुम लोग ज्वाइन करोगे? हाँ, क्यों नहीं सर। हाँ ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है सर, चलता है। ना क्या देख रहा है, जल्दी से दाढ़ी बना। अरे जल्दी शेव कर, अपनी मूंछें भी अच्छे से बना लेना, हमेशा मूंछों को ताव देता है। तो यहीं से करूंगा ना, पुलिस की नौकरी नहीं है, साइबर सेल में काम मिला है, दाढ़ी चलेगी। कोई बात, अच्छे से दाढ़ी बनाओ, मस्त दिखना चाहिए। क्या हुआ? तुम्हारा बेटा एग्जाम में पास हो गया। हाँ, अच्छी सैलरी मिल रही है, 75,000 रूपए। तू अपना काम कर, जब तेरे पास काम नहीं था ना, यही लोग तुझे बेरोजगार कहते थे, इसीलिए उसे जला रही हूँ। दो लोगों को और बताना। ए, तुझे नौकरी मिल गई? हाँ चाचा। पर कहाँ? साइबर सेल में। परमानेंट है? नहीं, अभी परमानेंट नहीं है। बेकार है। नेगेटिव आर। क्या आंटी, बढ़िया ना? All the best. Thank you, sir. जाकर जॉय से मिल लो, खुश हो ना? स्मार्ट लग रहे हो। बस ऐसे ही सर। सर, साइबर सेल में कौन सी यूनिफॉर्म चलती है? यूनिफॉर्म ही तो पहनी है, वैसे हमें हर मंडे यूनिफॉर्म पहनना होता है, पर कोई पहनता नहीं। इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास दो खाकी पैंट्स हैं। सोचा पहले दिन जरा। संजय है। अरे अरे। हाय सर। अरे ये हमारी टीम है। हाय। हाय। बशीर, इन लोगों ने आज से ज्वाइन किया है। हेलो सर। तुम दोनों यहाँ बैठो, चाहो तो वो चेयर वहां रख दो। ओके सर। यही तुम्हारी जगह होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तुम इन लोगों को जानते ही होंगे। हाँ, पिछली बार हमारी बात हुई थी। और ये अनीता है। थैंक यू सर। दास। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। कैसे हैं सर? हाँ ठीक हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो, ये चेक कर लेना। ओके, कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से काम करना। बशीर, इन्हें सब कुछ समझा देना, हाँ ठीक है ना? हाँ, उन्होंने ज्वाइन किया है आज। हाँ, उनकी जगह और काम का देखा। तुम दोनों साइबर सेल में पहले इंजीनियर हो। ये बीटेक पास करना ना दिमाग वालों के बस की बात है। पर मेरे बेटे ने सारे पेपर्स पास किए, कुल 46 पेपर होते हैं, उसने सारे पास किए। वो पढ़ाई में अच्छा है ना? तो क्या, बड़ा काबिल बच्चा है, उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। अच्छा, काम कहाँ करता है? सच में? साइबर सेल में। नाम? नाम परवीन सर। परवीन? परवीन। हाँ, इससे पूछो केरला में कहाँ रहता है। केरला में कहाँ रहते हो? पेरुम्बावूर सर। पेरुम्बावूर। कहाँ से आए हो? आसाम। वो क्या 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 पैसा, मतलब पैसा चोरी हुआ है? प्रॉब्लम क्या? मेरा 6,000 रुपए चोरी हो गया साहब। 6,000? सर, इसके 6,000 रुपए चोरी हो गए हैं। हाँ, पक्का फोन करूंगा। एक मिनट, इधर आओ। तुम यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ स्टाफ हूँ सर। तुम्हें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। क्या क्या प्रॉब्लम सर? ये चोरों का शहर है, पिछले 8 घंटे में 60,000 रुपए गायब हो गए, कहीं से भी मेरा पैसा ढूंढ कर लाओ, वरना तुम सर एक मिनट सर, कहाँ भाग रहे हो? जॉय सर, रुक जाओ, रुको, बात तो करो। जॉय सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है सर? तुम कौन हो? मैं तो एसआई हूँ। ये एसआई का बोर्ड तो वहाँ है, तुम वहाँ क्यों नहीं बैठे हो? यहाँ वहाँ घूम कर क्यों टाइम पास कर रहे हो? आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? बैठिए बैठिए। ये जगह तो मुर्गी के दरबे जैसी लग रही है, ये साइबर सेल ही है ना? हाँ, ये साइबर सेल ही है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं अपनी कार चला रहा था, एक लड़की ने मेरे फोन पर कॉल किया और उसने कहा कि मेरे कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो गई है, अगर आपको अपना कार्ड रिन्यूअल कराना है तो आपके मोबाइल पे ओटीपी नंबर आएगा और वो नंबर आप मुझे दे दीजिएगा, और मैंने उसे ओटीपी नंबर दे दिया। ओटीपी नंबर देते ही 30,000 का चूना लग गया और दूसरे दिन सुबह 30,000 का और चूना लगा। आपको जरा सतर्क रहना चाहिए, ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। ओटीपी भेजते वक्त शक तो हुआ था मुझे, पर मेरा ओटीपी नंबर है, मैं क्यों ना भेजूं? हाँ, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। सर, आपका पैसा मिल जाएगा। अनीस, डिटेल्स ले लो सर इनकी। देखो, इन्हें किस नंबर से फोन आया था, फटाफट ट्रेस करो उसे। सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम बालाचंद्र है। जरा नाम तो नोट कर लेना। और आप काम कहाँ करते हैं? कदवंतरा SBI बैंक का मैं मैनेजर हूँ। क्या कहा?
कदवान थरा SBI बैंक का मैं मैनेजर हूँ। संभालो इन्हें। मैनेजर हूँ और मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सब्जी मस्त है, बढ़िया बनी है। सुपर। जब से दाढ़ी बनाई है कितना स्मार्ट लग रहा है। आंटी, हाँ। मैंने भी तो दाढ़ी बनाई है। तुझे दाढ़ी कब थी? तुम्हारा डोसा उतना अच्छा नहीं लग रहा। सर, मैं एक लड़की से प्यार करता था। हाँ। मैंने उसे अपनी कुछ फोटोज और वीडियोस भेजी थी। हाँ। अब उन्हीं फोटोज और वीडियोस के सहारे वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसने भी अपनी फोटोज और वीडियो भेजी थी? नहीं नहीं सर। नहीं, अभी वो लड़की कहाँ है? अभी तो हाँ फिलीपींस में है। फिलीपींस में? वो तुमसे पैसे क्यों मांग रही है? दरअसल जो फोटोज मैंने उसे भेजी थी वो थोड़ी अलग टाइप की। दूसरे टाइप के फोटोज मतलब? अलग टाइप की मतलब नंगी फोटोज। हाँ हाँ वैसे ही। फिलीपींस की लड़की को? सर ये सब गलती से हो गया, सॉरी सर। तुमने भी वो फोटोज देखी? नहीं सर। मतलब तुमने भी उसकी फोटो नहीं देखी? नहीं सर। क्यों, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, इसे फोटो क्यों नहीं दिखाई? सर वैसी फोटोज मैं इसे कैसे दिखाऊं? तब भी तूने पी रखी थी? हाँ थोड़ी सी पी थी। हाँ हाँ। बशीर सर, सर ये आपके टाइप का केस है। सर, प्लीज। ऐसे केस हो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं आसानी से। फिलीपींस से थी लड़की? हाँ। फिर तुम्हें उससे प्यार कैसे हो गया? सर इंग्लिश सीखने के लिए मैंने उसे कांटेक्ट किया था। अरे इंग्लिश, फिलीपींस वालों को कौन सा इंग्लिश आती है? अगर तुम्हें ज्ञान ही लेना था तो किसी अमेरिका या लंदन की लड़की को मैसेज करता। गलती हो गई सर, प्लीज हेल्प। हाँ अभी क्या, फिर क्या मांग रही है वो? सर वो तो 1,00,000 रुपये मांग रही है। एक नहीं 1.5 लाख मांग रही है। एक मांग रही है, डेढ़? सर 1,00,000। तुम उसे पैसे भेजने की सोच रहे हो? सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। सर अगले हफ्ते इसकी शादी है। शादी? ये शादी कर रहा है, जरा कुछ करो इसके लिए। क्या नाम है तुम्हारा? शुभकुट्टन। शुभकुट्टन, हम जो कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं। अगर वो तुम्हारी फोटो या डिटेल्स ये इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या वो यूट्यूब पर लीक करती है, हम वहाँ से फोटो डिलीट कर देंगे। अरे बाप रे। और पोस्ट ना करने का अभी कोई धारा नहीं, नियम नहीं बना है। वो फिलीपींस में और हम वहाँ जाकर तो उससे बात नहीं कर सकते ना। मैडम कितने दिन हो गए ये फाइल अभी तक नहीं मिली। सर अगर हेल्प मिल जाती जरूर मिल जाएगी। सर शादी है मेरी। अच्छा शादी है? एंथनी क्या हाल है? तुम्हें अश्वथी अच्छू के बारे में कोई डिटेल मिली? किसी काम की नहीं है। क्या हुआ, क्या दिखा रहा है? इनवैलिड है। इनवैलिड? हाँ फेक है भाई। म्यूचुअल फ्रेंड्स में देखता हूँ। यार जरा फेसबुक ऑन करना। अरे ये मेरा है। जरा दिखा तो। मेरे फेसबुक में तू क्या देखेगा? परेशान मत हो। कोई छेड़छाड़ मत करना, पता है ना ये साइबर सेल है। रुक जा बताता हूँ। देखा? अब पता चला तू उसे भूल नहीं पाया। मैंने कितनी बार तुझे समझाया कि उस लड़की ने तुझे अंधा बना दिया है। जानता है जिसे लोग ब्लॉक्ड कर देते हैं वही लाइफ में कुछ कर पाता है। ये नया ज्ञान है, अभी बनाया है। हाँ दिल से निकला है मुझे ते। देख लेना, जब दूसरी बार लात पड़ेगी तब समझ में आएगा। ला मुझे भी दे। खत्म मत कर देना। ये देख सैलरी आ गई। जल्दी कैसे आ गया? काम खत्म हो गया था। ये क्या है? ये मेरी पहली सैलरी है। साड़ी? हाँ बहुत अच्छी है, सच में बहुत प्यारी है। सर देखिए ना, व्हाट्सएप पर एक लिंक आया था, उससे मैंने 5,000 का एक आईफोन मंगाया था। आईफोन सिर्फ 5,000 का? जरा फोन मुझे दिखाना। इसमें टाइल्स है। वाह क्या फोन है यार। सर आप मजाक कर रहे हैं। सर सिगरेट का काम करके मैंने वो पैसे बचाए थे। सर फोटो लेने से अच्छा मुझे मेरा पैसा दिला दो। हम इसकी डिटेल्स निकालते हैं। हम यहाँ डिटेल चेक करने ही आए हैं। अच्छा ये बताओ ये क्या है? पैसा चाहिए सर, फोन मैं वापस कर दूंगा। ऐसा लग रहा है हम जबरदस्ती कर रहे हैं। आपको यकीन है मेरा काम हो जाएगा? सुना नहीं, मैंने कहा ना हम डिटेल चेक करने आए हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक। और 5,000 का आईफोन लेने चला था अपने पास। सीमेंट लगा के टाइल्स चिपका ले। मुझे बेवकूफ बनाया गया। मैम अब पुलिस वाले इतने इरिस्पॉन्सिबल हो गए हो कि हम जैसे लोग शांति से चिल भी नहीं कर पाते। मैन व्हाट अ डार्क सीन इज दिस। जरा अपना काला चश्मा उतारो। चलो चलो इन्हें दो।
अभी डार्क सीन खत्म हो गया ना। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है? हाँ। जरा इनको दे दो। क्या हुआ? चलो दो इन्हें। सर जरा ये पढ़िए। सर हम पिछले हफ्ते गोवा ट्रिप पर गए थे, जब हम घर पहुँचे कोई भी कीमती सामान घर पर नहीं था। चुप हो जाओ मां। चुप करो बेटा। मैडम ये केस यहाँ का नहीं है। अच्छा होगा आप पुलिस स्टेशन जाएंगी तो, इसका हमसे कोई कनेक्शन नहीं है। क्या सर? पर छोटा सा कनेक्शन है, जब ये टूर पर गए थे तो इस पप्पू ने एक पोस्ट शेयर की थी। क्या बताऊ मैं इसे? सर बस यू ही लिखा था, 5 days ट्रिप टू गोवा रॉकिंग विद मॉम, है ना माँ? तो अभी मुझसे हाँ, मार खाएगा। इस पोस्ट के नीचे देखो, काइलो रेन की एक फोटो के साथ एक कमेंट आया है, भाई तू वहाँ रॉक कर, हम यहाँ रॉक करते हैं। सर पहली बात वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो लोग चोर होंगे, पक्का चोर होंगे। मैडम आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाइए, वो लोग ये केस देखेंगे, अगर वहाँ से बोला जाएगा तो हम लोग एक्शन लेंगे। सामान नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, पुलिस स्टेशन में मिलेगा। सुनो बेटा यहाँ आओ, मेरा फोन वो मिल जाएगा, तुम मेरे साथ आओ। अपना नाम बताओ। सोमू, सोमू नाम है मेरा। क्या काम का है? फैशन ओरिजिनल नाम है सर। फेसबुक पे क्यों शेयर करते हैं लोग? पप्पू की मम्मी जी, ऐसा आपके घर में यही बेटा है? इसके जैसा एक और है, ट्रिप पर गया है मनाली। अच्छे मुझे ऐसी फोटो फेसबुक पर शेयर नहीं करनी चाहिए, और ये भी जैसे कितने दिन के लिए जा रहे हो, समय कुछ पब्लिकली शेयर नहीं होना चाहिए। ये सब फोटो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ना, समझे? अब आगे ऐसे गलती मत करना। समझ गया सर, कभी नहीं करूंगा। हमेशा क्यों लगाते हो ये? सर जरा जल्दी काम करा दीजिए ना सर। पुलिस स्टेशन से मामला यहाँ आने दीजिए, फिर हम सब देख लेंगे। सब ओके? थैंक यू सर। चलो चलो अब चलो यहाँ से। मम्मी मुझे मेरा फोन देना। किस लिए? फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड वाली सेल्फी पोस्ट करने जा रहा हूँ। सेल्फी? एक फोटो मत लेना, अपनी माँ के अर्श पे बैठ के सेल्फी लेना, थप्पड़ मारूंगी तुझे। फालतू की बात है यार। उन्होंने पहली बार तुम्हें कब कॉल किया था? बात समझ में नहीं आई, वो तुम्हें कब से कॉल कर रहे थे ये मेरा सवाल है। जवाब दो, बोलो बोलो। बोल दो, टेंशन मत लो। मेल भेजने के 4 दिन के बाद से एक लेडी मुझे कॉल करती थी। उसने कहा वो आयरलैंड हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। फिर उसने बताया कि आयरलैंड गवर्नमेंट ने मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में अपॉइंट कर लिया है, और मुझे हर महीने 2 लाख सैलरी देने वाले हैं। तो तुमने कितने पैसे दिए? मैम फॉर्म फीस के लिए उन्होंने मुझसे 1500 रुपए अकाउंट में मंगवाए थे। वो अकाउंट डिटेल्स लेकर आई हो तुम? हाँ अकाउंट डिटेल्स है। इसमें अकाउंट नंबर लिखा है सर। एंटनी जरा ये अकाउंट नंबर और ये मोबाइल नंबर ट्रेस करो। ओके को उसके बाद और भी पैसे ट्रांसफर किए। ये लड़की मैं पूछ रहा हूँ टोटल कितने पैसे दिए? सर हम अब तक उन्हें 2,75,000 रुपया दे चुके हैं। अरे रे रे, इतना सारा पैसा एक अजनबी के अकाउंट में डाल भी दिया? तुम लोग किस जमाने में रह रहे हो? देखो बेटा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जिससे ये सब करने से पहले तुम सलाह ले लेती? मुझे कुछ नहीं पता। जरा मेरी एक बात सुन, वो चाहे जितना तुझे लालच दे उसके पीछे मत जाना। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात सुन भी रहा है कि मैं ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ? हाँ ठीक है। अभी तेरे पास एक काम है, पहले की तरह तुम मत हिलाना, अब जरा अकड़ में उसके सामने जाना। तुम जॉबलेस नहीं हो, उससे आप कोई भी मौका मत देना, समझ गया? एक्सक्यूज मी। हां यस। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हेल्प कर दो प्लीज। मुझे लगता था तुम सोच समझ कर फैसला करती हो। किस्मत खराब थी, मैंने उन पर भरोसा किया, उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया था। वो मेरे आईलेट स्कोर और एक्सपीरियंस से सेटिस्फाइड थे। हॉस्पिटल के रिक्रूटमेंट बोर्ड बनके मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। इंटरव्यू कैंसिल करने पर वीडियो कॉल कर दिया। वीडियो कॉल पर एब्रॉड के किसी इंसान से मेरी 4-5 मिनट बात हुई। उसके बाद मेडिकल टेस्ट, एग्जाम फीस, इन सब के नाम पर उन्होंने मुझसे 70,000 रुपये लिए। 4 दिन बाद मुझे ऑफर लेटर भी मिल गया। उसके बाद वीजा चार्जेस, इंटेलिजेंस क्लियरेंस,
इन सब के लिए मैंने 2 लाख रुपए और दिए, लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ आधा पैसा मांगा था, जबकि नर्स को अब्रॉड में अच्छी सैलरी मिलती है। इसलिए मैं लालच में आ गई। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। वो क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ना के बराबर पैसा मिलता था, इसीलिए मैंने, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप अभी तक गए नहीं, हाँ? क्या हुआ? हमने अपनी समस्या को सर को समझाया। सर ये हाँ अप्रेंटिस है, ट्रेनी। हाँ एक काम करो, आप लोग निकलो, हम चेक करके बाद में कॉल कर लेंगे। आप खुश हो जाओ और चलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते, इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है। सर वो जॉब ऐसी थी सर। ऐसा है? जो मिला है क्या ये लोग उससे खुश नहीं रह सकते? सिर्फ आयरलैंड और कनाडा जाकर ही पैसा कमाया जाता है। सैलरी भी तो अच्छी थी ना बेटा, 2 लाख 3 लाख, इसी को सैलरी नहीं कहते? 5,000 और 10,000 को भी सैलरी कहते हैं, समझ गया कि नहीं? है गधा कहीं का। हेलो, हाँ मेरे लिए चाय बोल देना। सुनो प्रथम सर, तुम दोनों को कैबिन में बुला रहे हैं, जाओ। सुनो वो लड़की तुम्हारी दोस्त है? क्या क्या सर? मेरा मतलब वो नर्स तुम्हारी दोस्त है? सर वो 12th क्लास में मेरी जूनियर थी सर। सर अच्छा हुआ उस लड़की के साथ ऐसा फ्रॉड केस हुआ, जॉब मिलते ही उसने इसे छोड़ दिया। सच कहूं तो उसने इसे धोखा दिया है सर। ऐसी बात नहीं है सर, ये सब हालात की वजह से हुआ। बेटा इस पूरे प्रोसेस को धोखा ही कहते हैं। एक काम करो, इस केस की तुम जांच करो। अरे सर मैं, जिस लड़की ने तुम्हें लाइफ में धोखा दिया वो सामने से आकर तुमसे मदद मांग रही है, ऐसा मौका आसानी से कहाँ मिलता है? इस केस को तुम लीड करो, अपना हीरोइज्म दिखाओ। सही बात है भाई, ये तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंट केस होने वाला है, हिम्मत हाँ? से काम लो, हम तुम्हारे साथ है। केरला के अंदर 50% से ज्यादा हॉस्पिटल वहाँ काम कर रही नर्सेज को सरकार द्वारा तय की गई मिनिमम सैलरी 12,000 का भुगतान नहीं करते हैं। इतनी कम सैलरी की वजह से कई नर्सेज अपने एजुकेशनल लोन तक नहीं भर पाते। भाई देख इसमें से कोई केस कोची का है क्या? निर्मला नाम की एक औरत है, उसने मुझे पहले कॉल किया, कहा कि वो नीदरलैंड की हॉस्पिटल में नर्स की भर्ती की योजना बना रही है। वो लोग 3 से 4 बार कोची आए थे। उसके हस्बैंड का नाम हाँ कॉलिन पीटर, वो नीदरलैंड का सिटीजन था। उसकी बात से सहमत होने के बाद पता चला कि उसका हस्बैंड उसकी मदद कर रहा है। आपके पास उन दोनों लोगों की कोई फोटो है क्या? हाँ है ना सर। सर ये है वो लोग। इन्हीं लोगों ने मेरी झंड की है। नहीं ये वो नहीं है, उसके तो लंबे बाल थे, वो काफी मोटा भी था। जो मेल आया था मुझे वो देखना है। इन लोगों को जिस आईडी से मेल आती है वो hr@supernova डोमेन है, उसका डोमेन और सुपरनोवा हॉस्पिटल का डोमेन सेम है। ऐसी डोमेन आईडी 3,000 to 4,000 में आराम से बनाई जा सकती है। सर जैसा कि हम जानते हैं हमारी जीमेल आईडी पर ऐसी कई मेल्स आते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि केरल में क्या ऑपरेशन के लिए सेम डोमेन यूज किए जाते हैं। चांसेस आर वेरी हाई। मेरा नाम कृष्ण मेनी है, मैं नागर कोयल से हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और I think I got cheated। तुम्हें अल्फांसो के केस और इस केस में सिमिलरिटी दिख रही है? सर जो कॉल कृष्णा वेनी और अल्फांसो को की गई थी उसमें काफी सिमिलैरिटी है, हमें उससे सारी डिटेल्स मिल गई है सर। पहली कॉल तमिल लेडी ने की थी और फिर फॉरेनर एडमिन ने। ऑपरेशन का मोड, मेलर सर्वर, सभी बिल्कुल सिमिलर है सर। नॉर्मली सभी ऑनलाइन फ्रॉड केसेस में यही पैटर्न फॉलो करके हजारों रुपए का फ्रॉड किया जाता था, पर अभी लाखों का फ्रॉड ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। सर जैसे ही फ्रॉड लोगों के पास अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है वो ओमान और कतर के अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। वो सभी अकाउंट होल्डर्स तमिल और कर्नाटका के होते हैं, पर हम उन अकाउंट्स को ट्रैक नहीं कर पाते। सर मैंने कल ये गूगल से निकाला था, जामतारा नाम की जगह पर काफी लोग ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए थे। वो लोग नौकरी और शादी जैसे वेबसाइट के जरिए रेज्यूमे और बायोडाटा कलेक्ट करते हैं,
उसके बाद वो कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग जॉब का लालच देकर उनसे 15,000 रुपए फीस के नाम पर लेते हैं। उसके बाद नो रिस्पांस। ये जमतारा केस में बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने उन कल्प्रिट्स को ढूंढा और वो कहां से काम करते हैं इसका पता भी लगाया, पर वहां जाकर किसी ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। मतलब सर, मुझे नहीं लगता ये केस जमतारा से रिलेटेड होगी। अगर दोनों केस में कोई संबंध होता तो कॉल पर की गई भाषा एक तो हिंदी, गुजराती या फिर लोकल इंग्लिश में होती, पर इस केस में तमिल का यूज हुआ है, जबकि सारे अकाउंट होल्डर्स भी तमिलनाडु से है। सर, ये एक साउथ इंडियन रैकेट है, विक्टिम्स की गिनती और बढ़ेगी। सर, इसमें कोई दो राह नहीं है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें चीट किया जा रहा है। बाकी लोग शर्म के मारे प्रॉब्लम नहीं बताते हैं। आगे और भी विक्टिम्स सामने आएंगे। एक कॉमन लिंक जो यहाँ मिसिंग है। दासन, वो वीडियो दिखा जो प्रथम सर ने हमें दिखाया था। ये वाला? ये कृष्णा वनी है ना? हाँ, ये वही है। मैडम, आवाज आ रही है? नेटवर्क को। मैडम, अप्रैल में आप कोची आई थी क्या? अप्रैल 12 को? हाँ, आई थी सर। एक्चुअली मेडिसिटी में इंटरव्यू था मेरा। सर, ये सभी 9 लोग 15 से 30 अप्रैल के बीच कोची आए थे अलग अलग काम से, पर सबके सब ने प्लूटो मॉल में चेक इन किया था। हाँ हाँ हाँ, मैं शॉपिंग मॉल गई थी। क्या हुआ? दासन, जरा नीचे आना। हाँ, आता हूँ आता हूँ। क्या हुआ? हाँ जरा इसे देख, यहाँ एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। इसमें लोगों के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल सबकी डिटेल ली जा रही है। तो क्या हुआ? इतनी डिटेल्स लोगों को मामू बनाने के लिए काफी है। क्या बक रहा है तू? ये जॉब फ्रॉड केस से कनेक्टेड है? क्यों नहीं, लोगों की फुल डिटेल मांगी जा रही है। आज 1 अप्रैल है क्या? चल फिर पूछते हैं। चल, अगर अल्टरनेट नंबर है तो नीचे लिख दो। छोटे, हाय सर, हम जीत सकते हैं। हाँ, अगर आपका टाइम सही होगा तो बड़ा इनाम जीतेंगे। नहीं यार, पिछली बार विशु कॉन्टेस्ट में कुछ नहीं जीता था। सर, अप्रैल के बाद कितने कॉन्टेस्ट पास होते हैं, इस बार पक्का जीतोगे। भाई, तू कृष्णा वेनी को जल्दी से फोन कर और उनसे पूछ कि जब वो प्लूटो मॉल आई थी तो क्या उन्होंने कोई कॉन्टेस्ट फॉर्म भरा था। हेलो, मुझे आपसे ये जानना था कि जब आप प्लूटो मॉल आई थी तो क्या आपने कोई कॉन्टेस्ट फॉर्म भरा था? हाँ, मैंने अपनी बहन के लिए एक कूपन भरा था और उसके बाद मैंने अपने लिए भी एक कूपन भरकर जमा कर दिया था। सच में? छोटे छोटे, ये कॉन्टेस्ट कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? ये मॉल वाले। क्या हुआ सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। ओके सर, हम क्यूटेक एजुकेशन सेंटर के मार्केटिंग स्टाफ से हैं। अगर पॉसिबल हो तो क्या हमें विजिटर्स के कूपन की डिटेल्स मिल सकती है? नहीं नहीं नहीं, अगर हमें 15 से 20 साल वाले विजिटर्स की डिटेल मिल जाती तो हमारे मार्केटिंग को काफी मदद मिल जाती है। हम ये कॉन्टेस्ट लोगों को गिफ्ट देने के लिए प्लान करते हैं, उनका डेटा बेचने के लिए नहीं। तुम्हें इस डेटा की क्या जरूरत पड़ गई? इसके लिए हम पेमेंट भी दे सकते हैं। एक बार में कहा, वो समझ नहीं आया, चलो निकलो यहाँ। सर, हमारी नौकरी का सवाल है, कुछ मदद कीजिए ना। एक बार बोल दिया ना तुम्हें, चलो निकलो यहाँ से। ये कूपन्स ये लोग कहीं और भेजते हैं, ये तो पक्का है। क्या बात कर रहा है, मुझे नहीं लगता। ऑफिस को बता देते हैं, आगे वो संभालेंगे। बिना कंफर्म कॉल के तो बशीर सर हमारी क्लास लगा देंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए? वो बंदा कहाँ है जो ऑफिस में कूपन लेकर आया था? क्या हुआ सर? लोगों के कूपन दूसरों को बांटने वाले तुम कौन होते हो? मुझे नहीं पता। ये सच सच बता, हम साइबर सेल से आए, तेरे खिलाफ कंप्लेंट है, उठाकर जेल में डाल देंगे। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हर फ्राइडे वैन आती है, इतना ही पता है। फ्राइडे किस
क्या कर रहे हो? हाँ, चुपके से किसे देख रहे हो? हैं? जरा कप भर के बनाना, ठीक है? ये लो। थैंक्स, माफ करना पर मैं दूध की चानी पहले नहीं बता पाए थे। काली चाय भाई, ऑर्डर कैंसिल। अच्छा सनू, तू सेलम से वापस कभी आया? इतने दिन मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि मैं बीटेक के बाद एमटेक भी कर लूं। और तू मान भी गया? पहले बीटेक तो पास कर लूं। हां, बीटेक तो करना पड़ेगा। हां भाई, तुम्हें कोई जॉब मिली है नहीं? हां, बीटेक के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं। मतलब बेकार हो। और तुम्हें तुम्हें कोई जॉब मिली? हां, इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे हैं हम लोग। तुम्हें कोई आसान काम नहीं मिला क्या, जैसे सिविल सर्विस या उससे भी आसान कुछ? कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम ये जानना चाहते थे, वो वहाँ डेटा एंट्री का काम जो है वो सही तो है ना? मैं यहाँ पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ, मुझे रोज के 200 हाँ। से 300 रुपए सैलरी मिलती है। हाँ। अगर फुल टाइम करेंगे तो 500-600 मिल जाएंगे। बोलो, करना है? हाँ, करना तो है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंकल ने कहा कि वो लोन करा सकते हैं अगर हमने तेरी तरह कोई बिजनेस शुरू किया तो। मतलब कैसा रहेगा, उसमें प्रॉफिट तो आता है ना? हाँ, प्रॉफिट। मुझे पार्टनर बना सकते हो? पार्टनर बना देंगे, क्यों नहीं। कितना शेयर? पहले बता देता हूँ, 50-50। ओके ना? ओके, डील पक्की? डील, ओके। काम के बारे में बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास किसी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी है तो तुम्हें उस काम के 4 रुपए मिलेंगे। ओके, अगर उसी आदमी का अकाउंट नंबर और पैन नंबर है, 8 रुपए मिलेंगे। कॉर्पोरेटर को सिर्फ डाटा चाहिए होता है, हम उन्हें वही प्रोवाइड करते हैं। हमें इसका क्या काम? अपने मामा से बात करके 10 सिस्टम लगवा सकते हो। मामा? हाँ, वो पक्का? तुम्हें कुछ 20 लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। लड़कियाँ अरेंज कर सकते हो? इसके मामा सब अरेंज कर लेंगे, तू मैटर बता। अगर हाँ है तो हम घूमने वाली चेयर पर बॉस बनकर बैठेंगे, और क्या मजा आएगा ना। चेयर पर मस्ती करो। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा हमें कौन देता है? चाय के पैसे दे देना, पैसा शेयर से काट लेना। ये डाटा केरला में बिल्डर्स, कार डीलर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, ट्रेवल एजेंसीज और ऐसे बिजनेस में पैसा भेजा जाता है। केरला से बाहर भी डाटा भेजते हैं कोऑर्डिनेटर्स के जरिए। इसमें और पैसा मिलता है, पर मेरे शेयर का क्या? 50-50। शेयर मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, फिर ये लो। हम कूरियर से ये डाटा एड्रेस पर भेजते हैं, फिर ट्रक के जरिए ये कई राज्य में भेजे जाते हैं। सर, आपने जो कहा वो सही था, कोलम बदू चोरी और डकैती के लिए फेमस हो गया है। वो लोग बेंगलोर और कोयम्बतूर हाईवे को अपना निशाना बनाते हैं सर, और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को लूटते हैं। इन लोगों का यही पेशा बन गया है। 2002 में जब जयललिता जी की सत्ता थी तब कोलम एदू में काफी रेड लगाई गई थी, उसके बाद कई गुनेगार अरेस्ट हुए थे। सर, इसे बंद करने के लिए कोलामेदू के लोगों को कई सुविधाएं दी गई थी और कई लोगों को क्वार्टर्स भी दिए गए थे। उसके बाद 200 लोगों को एजुकेशन भी दिया गया, पर पढ़ाई के बाद उन लोगों ने अपने चोरी का तरीका बदल दिया सर, और वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद कोलामेदू में रिपोर्ट हुए सभी क्राइम साइबर क्राइम में बदल गए। 2012 के बाद कोलामेदू में बहुत सारे साइबर क्राइम को अंजाम दिया गया। वो कोई बड़े हैकर्स नहीं थे, पर लोगों का डेटा पाकर वो लोगों को फोन करके आसानी से कन्विंस करने लगे और उनका पैसा गायब करने लगे। सर, वो लोग किसी से भी नहीं डरते, उन्हें पता है कि अगर डरेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। पेट की भूख यही कारण है कि यहाँ लूट और फ्रॉड के केस इतने बढ़ रहे हैं। सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट डेटा की होती है, ये उन्हें कहीं तरह से मिल जाते हैं। वो कूपन से, आईडी के फोटोकॉपी से, या तो जो भी कंटेंट हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालते हैं उसकी मदद से। सर सर, बात करने के लिए ये लड़कियों की आवाज की फुल ट्रेनिंग लेते हैं सर। साउथ इंडिया में 40% साइबर क्राइम केस के मास्टरमाइंड कोलामेदू से ही होते हैं सर। अगर केस की बात करें तो कोलामेदू नॉर्थ इंडिया के जामतारे से भी खतरनाक है सर। इतनी जगह, बदनाम होने के कारण वहाँ ऑपरेशन के जरिए किसी को अरेस्ट कर पाना इम्पॉसिबल है सर। अगर आपने कर भी दिया तो आप तमिलनाडु क्रॉस नहीं कर पाएंगे सर। भाई, इस आईपी एड्रेस से अल्फोंसो का मेल आया था, उसे हमने ट्रेस कर लिया है। गोडेडी नाम के सर्वर से इस डोमेन को लिया गया था। ओके। मैंने गोडेडी के टेक्निकल असिस्टेंट से बात की, उन्होंने हमें सब डिटेल्स भेज दिया है। उन्होंने हमें आईपी एड्रेस भेजा है, मैं सारी डिटेल्स चेक कर चुका हूँ। वो हैदराबाद वैसे सिम था सर, हमें कॉल डिटेल्स मिल गई है, पर
जिस फोन में इस सिम का इस्तेमाल किया गया था हमने उसके IMEI नंबर को ट्रेस किया। ये फोन सलेम के ब्रह्मापुरी समुदाय में अभी 4 महीने से दूसरे नंबर पर एक्टिवेट है। मैं डिटेल सेंड कर देता हूँ। सर 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 अरविंद कौन है? मैं हूँ, तुम कौन हो? मलयाली हो, जरा एक मिनट बात करनी है। बोलो क्या बात है? भाई बात यह है कि हमें एक वेबसाइट बनवानी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। पर एक कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ट्रैक ना कर पाए। नहीं 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 नहीं, हम ये सब काम नहीं करते। प्लीज भाई, मेरी बात सुनो, मैं ये सब काम नहीं करता। भाई ठीक है, सुनो ना भाई, प्लीज हमारी मदद करो, हम आपको इस काम के अच्छे पैसे देंगे। मांचो भाई। हां हां चलो मेरे साथ। हां चलो, इसमें रिस्क होता है, पुलिस आसानी से आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेती है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो काम तमाम ही समझो। भाई हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको उतना देंगे। तुम्हारा बजट क्या है? जितना आप बताओ। दे कितना पाओगे? आप बताइए ना। 40,000 होगा। 40 ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा किस तरह की वेबसाइट चाहिए तुम्हें? भाई आयरलैंड में सुपरनोवा नाम का एक हॉस्पिटल है, वैसी वेबसाइट। अरे नहीं होगा भाई। अरे कुछ नहीं होगा, बस W से V कर देना है, हो गया। अरे नहीं नहीं, हाँ बोलना। बस कुछ नर्सेस को चुना लगाना है। कौन हो तुम लोग? तू जहाँ भी भाग ले, हम तुझे पूरा पैसा देकर रहेंगे। ए रुक रुक रुक। हमें वो नंबर पता है जिससे तू डोमेन एक्सेस करता है। तो हैदराबाद के श्रीनिवास कॉलेज के सामने से मोबाइल और लैपटॉप के जरिए उनके इंटरनेट का इस्तेमाल करके सभी को कम्युनिकेट करता है। तू केरला पुलिस को अभी जानता नहीं है, हमें सच बोलने के तरीके आते हैं। मैं नहीं जान पाया, जॉय इसकी जरूरत नहीं है, ये खुद बता देगा। चलो बताओ। उनके लिए मैंने वेबसाइट बनाई थी सर, और मैं कुछ नहीं जानता सर। इसके लिए बोलो जल्दी जल्दी बोल। सिंबल, ये कोलामेडू का सबसे बड़ा फ्रॉड है। लोगों के पर्सनल वीडियोस ये पॉर्न साइट पर अपलोड करता है। इसके ऊपर ऐसा केस भी चल रहा है। ये माइकल है, लोग इसे वेलाइन कहकर बुलाते हैं। उसका हथियार है इसका पागलपन। सिम्बन इसका मेन हथियार है। सारे प्लान सिर्फ माइकल बनाता है, लोगों को अरेंज सिम्बन करता है। एग्जीक्यूट करती है इसकी पत्नी जया। ये लोग जिंदगी में झूठ बेचते हैं, इनसे जीत पाना बहुत मुश्किल है। एंथनी सर, तुम तैयार रहना, फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ बशीर। हाँ मैं इधर संभालूंगा, तुम निकलो। कॉलोनी के अंदर से किसी को अरेस्ट करना आसान नहीं होता। कॉलोनी में घुसने के बाद तुम लोगों को अलर्ट रहना होगा। तुम्हारी आंखों में डर का साया नहीं दिखना चाहिए। एक बार तुम वहां गए फिर गेम तुम्हारा होगा। सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अनिस मार्क टू, अलर्ट रहना। कुछ नहीं भाई, बस जावा कोड के लूप को बदलना है। हम तमिलनाडु की कंपनी में कोडिंग का काम करते हैं। कौन सी कंपनी? MSC भाई, चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ? वो टी नगर। ठीक है, क्या प्लान है? भाई प्लान 223 अकाउंट्स है। हम रात 2 से 3 बजे के बीच हर अकाउंट से 1,00,000 विड्रॉ करने जा रहे हैं। पर हमें पैसों को सेफ रखने के लिए अकाउंट चाहिए, ऐसा अकाउंट जिसे कोई भी ट्रैक ना कर पाए। हमें कितना मिलेगा? आप बोलो भाई। 50%। ठीक है भाई। हो जाएगा। बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सेफ है ना? डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो अमाउंट तुम दोगे उसे हम दुबई, कतर जैसे देशों के कई अकाउंट्स में भेज देंगे। वहाँ हमारे लोगों के 20 से ज्यादा अकाउंट्स हैं। ओके भाई। एक बार डील खत्म, अमाउंट आराम से तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगा। काम कब करने वाले हो? नेक्स्ट वीक हो जाएगा भाई। नेक्स्ट वीक देखता हूँ। इधर आ।
ये तेरा क्लाइंट है ना? अगर तुमने हमसे कुछ नहीं छिपाया तो वादा करता हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलो। वैसे भी तू मलयाली है, मदद कर जरा अपने लोगों की। हाँ मैं जानता हूँ। स्टेप वन, वो जीने के लिए झूठ बेचते हैं तो हमें उनसे जीतने के लिए झूठ बेचना होगा। अगर दिल में डर बना रहा तुम भी उनमें से एक बन जाओगे। हम वहां तुम्हारे साथ होंगे, बस थोड़ी ही दूरी पर। ए, तू इधर रुक, मैं भाई से मिल के आता है। माइकल, माइकल देखो भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं बताया था ना, आगे क्या? वो लोग हमारी जान खतरे में है। क्या रे, कौन है ये लोग? वही पार्टी है। हमारे कंडीशन के बारे में बताया ना? हाँ सब ओके है, सब बता दिया है। भरोसा कर सकते हैं ना? दरवाजा बंद कर लो। माइकल से मिलने के बाद डील के बहाने तुम्हें उसे कॉलोनी से बाहर बुलाना होगा। कौन है रे तू? पुलिस है ना? कॉन्फ्रेंस में लगा रखा है ना? हमें धोखा दे रहे तू? अगर तुम कभी भी पकड़े जाओ तो दासन, जिंदा रहने का फैसला कर लोगे तभी हम जीत जाएंगे। हम उनकी उम्मीद के हिसाब से ही चलेंगे, हमारी हर चाल से उनमें खौफ पैदा होना चाहिए। पकड़ो उसे। स्टेप टू, लालच देकर उन भेड़ियों को जाल तक लेकर आओ और वही दबोच लो। वो अनजाने में जाल की तरफ बढ़ेंगे जिस जाल को केरला पुलिस ने अपने हाथों से बुना है। केरला पुलिस अपने शिकार पर जा रही है। संभाल लेगा। गाड़ी मत रोकना, तेज सर। गाड़ी रोको सर, गाड़ी रोको सर। एंथनी जल्दी अंदर आजा, एंथनी जल्दी जल्दी, एंथनी अंदर आजा, जल्दी भगाओ सर। चुप 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 बैक। जिंदगी ने एक नई सीख दे दी थी, जब आप जीतने का फैसला कर लेते हैं तभी से आपकी जीत की शुरुआत होती है। हमारा समाज हमारे काम से हमें अहमियत देता है। जब अमीर और गरीब साइबर सेल में आकर रोते हैं तब सिर्फ एक सवाल होता है जिसका जवाब हमें नहीं मिलता, क्या सही है? पिछले हफ्ते साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट जानकी के फेवर में तो है, पर अभी भी उसके और उसके परिवार वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है। जब मैंने उन्हें अपने बॉस के सामने रोते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैंने यहाँ आकर ये बताने का फैसला किया था कि बेटा वो वीडियो उनका नहीं है। सर, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। जरा मेरी बात सुनो।
कुछ साल पहले की बात है, सेंट टेरेसा कॉलेज की कुछ लड़कियां ऊटी ट्रिप पर गई थी। वहां एक लड़का था, शायद रूम बॉय था। उसने छोटे से कैमरे से नहाते हुए लड़की का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। उस समय तो व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था, तब लोग अपने छोटे फोन पर वीडियो देखा करते थे। ये 2010 की बात है, पेपर में पढ़ सकती हो। उस लड़की ने कॉलेज की छत से कूद कर अपनी जान दे दी। वो मर गई। वो मेरी बहन थी, मेरी बड़ी बहन। बेटा, अकेलेपन का दर्द बहुत बुरा होता है। तुम्हें अपनी मां से बात करनी चाहिए। हाँ, चलता हूं। लो, एकदम मस्त चाय है। तुम थी कहाँ? कब से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या, किसी और ने भी तुम्हें धोखा दिया क्या? मजाक मत करो। कितने पैसे गए? मेरी शादी के लिए रिश्ता आया है, वो कनाडा में रहता है, मुझसे उम्र में बड़ा है, फिर भी उन्होंने मुझे वहाँ काम दिलाने का वादा किया है। मैंने तुम्हारे बारे में अपने परिवार में बात की, लेकिन मेरे पापा किसी टेंपरेरी जॉब वाले को स्वीकार नहीं करेंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो, जो तुम्हारे लिए अच्छा हो तुम वही करो। हाँ, कहाँ है तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी सहेली? मुझे नहीं पता सर। क्या कहा? मुझे नहीं पता सर। आज यहाँ आना कैसे भूल गई? ड्यूटी शिफ्ट पर आना उसका शौक है या फिर दिमाग का दही करने में उसको मजा आता है? दिन भर सीनियर का दिमाग खराब करती रहती है भिखारी कहीं के। हम क्या जोकर बैठे यहाँ पे? सर, जो भी कहना है मेरे सामने कहो, इस तरह से पीछे बात मत करो। क्या क्या कहा? तेरे सामने बोलूंगा तो क्या उखाड़ लेगा? सर, शायद ऐसा ही कुछ करूं। जब भी आप उनको देखते हो तो क्या आपको खुजली होती है? अबे तू मिटाएगा मेरी खुजली? तू होता कौन है? कभी कभी के लिए तो ठीक है, हर वक्त तूने ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मेरा ऑफिस है, जो मन करेगा वो बोलूंगा। यहाँ पे टेस्ट पास करके आ जा। बशीर मांग रहा है। चुप रहो, ये मुझसे तुम्हारी गर्मी मिटाने की नहीं है। मैं नहीं, ये उलझ रहा था। बस बहुत हो गया, चुप रहो। एंथनी आओ। इस बार बच गया, आगे नहीं बचेगा। ये सब क्या है? सर, वैसे भी हम यहाँ है ही कौन, हम भी तो यहाँ काम करते हैं ना। काम की जगह पर वो भेदभाव क्यों करते हैं? इधर बैठो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं थक गया हूं सर। उसे कनाडा का लड़का मिल गया है, क्योंकि मैं यहाँ टेम्परेरी हूं। इस तरह से मेरी जिंदगी हर जगह पर टेम्परेरी हो गई है। दोस्त, असल में दुनिया ये नहीं है, ना ही ये कोई प्यार है। जो जाना चाहते हैं जाने दो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 25 साल। तुम्हें पता है हर इंसान की जिंदगी में 15 से 25 साल टेम्पररी होते हैं। पता है, जब मैं 26 का था तब मैंने पीएससी का एग्जाम दिया। पीएससी एग्जामिनेशन हॉल में मेरे बगल वाली तीसरी सीट पर एक लड़की एग्जाम दे रही थी। काफी अच्छी लड़की थी। मैंने उसे बहुत देर तक देखा। वहां बैठी वो मन ही मन कैलकुलेशंस कर रही थी और ध्यान से लिख रही थी। मैं शादी करना चाहता था तो ऐसे ही लड़की से। एग्जाम के बाद मैं लॉबी में उसका इंतजार करता रहा, बस बात करने के लिए, उसे देखने के लिए। पता है मैंने उस समय क्या देखा? उसका बाप उसे गोद में उठाकर ला रहा था। निचला शरीर पैरालाइज था उसका, दिल में इज्जत बढ़ गई उसके लिए। इसी इज्जत को प्यार कहते हैं बच्चे। नहीं, अभी तक तो नहीं। मम्मी की दवा लेनी है ना? मैं दवा लेकर ही घर आऊंगा। भूलोगे तो
माँ के लिए जरूरी है ना? हाँ। अच्छा माँ सो गई? दवा का पर्चा है ना? हाँ है मेरे पास। इतना लेट क्यों कर रहे हो? मैं तो जरा बस इससे बात कर रहा था। लेट मत करना, ओके? मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ बस निकल रहा हूँ। ना ना घर आकर ही खाऊंगा। ठीक है। एंथनी कुछ खाया तुमने? नहीं सर अभी खा लूंगा। मैंने ऑर्डर किया है, खाकर ही जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं मम्मी अभी घर पहुंची हूँ। जाकर कुछ बना लो। खाना बना बना कर बोर हो गई हूँ मम्मी, ऑर्डर किया है मैंने। अच्छा सुनो, तुम और एलबी शनिवार को आ रहे हो ना? शनिवार? अच्छा देखते हैं, एलबी की लीव अभी कंफर्म नहीं हुई है। क्या हुआ? फ्रिज में कॉकरोच था। इतने से डर गई? हाँ डर गई थी। दादाजी एंसी की शादी के बारे में बता रहे थे, पुण्यवासी से पहले शादी हो जाएगी लगता है। एलबी इसी वक्त आता है? उन्होंने कहा था कि आज उन्हें लेट होगा। बेटा जब एलबी आएगा ना, हाँ, तो उसे इंश्योरेंस के बारे में याद दिलाना होगा। शिट, एक मिनट मम्मी, बाद में बात करती हूँ मैं। क्या हुआ? लाइट चली गई है। इंक्वायरी चल रही है? हाँ? इंक्वायरी चल रही है सर। और आप कौन है? सर मेरा नाम जॉनसन है। फ्लैट कौन सा है? मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। जाओ अपना रजिस्टर लेकर आओ। हाँ हाँ। यहाँ तो कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। आमतौर पर यहाँ बाहरी कोई नहीं आता साहब। अभी जो आया था वो तेरा मामा था? अरे बापरे। ऐसा नहीं है साहब। तुम्हारा नाम क्या है? सुनील। क्या? सुनील, मेरा नाम सुनील है सर। अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है? यहीं इरुपुरम में सर। इरुपुरम में कहाँ? ओ नीचे, पुल के नीचे। ये जोसेफ कौन है? मैं हूँ सर। तेरी ड्यूटी कब खत्म होती है? रात को 9 बजे सर। आज मैं जल्दी चला गया था, वाइफ का फोन आया था, वो बच्चे की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं जरा जल्दी चला गया था। और तुम अपनी ड्यूटी पर कब आए? मैं जरा लेट आया था सर। मैं टाइम पूछ रहा हूँ। लगभग 11 बज रहा होगा। तो तुम्हें पता था कि यहाँ 9 बजे के बाद कोई नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। मतलब है तूने पी रखी है क्या? नहीं सर। चल मेरे साथ, पूछताछ करनी है। मैंने नहीं पी है सर। जोसेफ? यस सर। ये तेरे चर्च का नाम है? हाँ सर। जनरेटर में क्या हुआ था? जनरेटर बार बार ऑन ऑफ हो रहा था सर। यहाँ तेरी कोई एसोसिएशन है? हाँ सर, ये हैं सेक्रेटरी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पॉल है सर। हाँ और तुम? ट्रेजरर। नाम? एशली। हाँ उस औरत का पड़ोसी कौन है? ये सर। मैं हूँ सर। जब घटना हुई तो तुम कहाँ थे? मैं अपने फ्लैट में सो रहा था, और इस वक्त कहाँ रहूँगा? स्मार्ट बॉय। तो सवाल नहीं जवाब चाहिए, जनरेटर को क्या हुआ था? डीजल खत्म हो गया था सर। हमने किसी को डीजल लाने भेजा ही है, आता ही होगा। तुमने यहाँ की सीसीटीवी फुटेज ली? सर सीसीटीवी है यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। जनरेटर नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, घंटा एसोसिएशन। क्या बात है, आपके पास तो जनरेटर है। इनसे सारी डिटेल्स लेकर इन्हें जाने देना। आपको मेरी डिटेल्स क्यों चाहिए? मैंने क्या किया है? तू एक चीफ सेक्रेटरी है और तेरे बगल में एक संगीन अपराध हुआ है और तू इस बारे में कुछ नहीं जानता? बेवकूफ समझा है क्या? किस बात का चीफ सेक्रेटरी है तू? मेरी डिटेल्स चाहिए? आईने लिख कर दो फिर जाना। कैसा है सर?
सर रेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई, मोटिव चोरी का ही था। उसे मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। सर लिफ्ट चलते हैं। अभी वो औरत कैसी है? उसके सर के पीछे जख्म की वजह से ब्लड क्लॉट हुआ है, डॉक्टर ने सर्जरी की तैयारियां कर दी हैं सर। हस्बैंड को इन्फॉर्म किया? हस्बैंड और उसके दोस्त ने ही एडमिट कराया उसे। हमें से वहाँ कोई है या नहीं? हाँ ना सर, प्रमोद और राजेश हॉस्पिटल में हैं। उनसे कहो हर एक चीज की करेक्ट अपडेट चाहिए। यस सर। वो उस तरफ सर। अपना ये हेलमेट मुझे दोबारा मत दिखाना, अगर दोबारा ऐसे आए तो कस्टमर केयर में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। इधर सर। सर किसी भारी चीज से वार किया गया होगा, इसीलिए इतना सारा खून बह गया। सर खून के निशान यहाँ से लेकर वहां तक है, मतलब लाश को घसीटा गया है। रिपोर्ट में नोट कर लिया सर। हमले में इस्तेमाल कोई हथियार मिला या नहीं? सर लोहे की रॉड या कोई भारी हथियार था। हाँ क्या हुआ? हाँ मैं यही क्राइम सीन पर हूँ। हाँ सर यही है, बता दूंगा। सर हॉस्पिटल से कॉल आया था, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। काशी तुम सारे निशान ले लेना। क्या क्या ही मामला? हाँ तुम वही रुकना। क्या क्यों हुई है, इसके पीछे क्या राज है, कुछ अभी तक पता नहीं चला है। सर जितना हो सका उतना सब ले गया, फिंगरप्रिंट्स हमने ले लिए। इनके हस्बैंड की क्या डिटेल्स है? सर आलबी इन्फो पार्क में काम करता है। हाँ श्रुति बोलो। एलवी तुम ऑफिस से निकले? नहीं मैंने बताया तो था जरूरी प्रोजेक्ट है। क्या हुआ मुझे बताओ तो। तुम यहाँ जल्दी आ सकते हो? श्रुति मैडम यहाँ लाइट चली गई है, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा, आजकल ये रोज होता है। ये सब मुझे कॉल करके बताने का क्या फायदा, सिक्योरिटी को कॉल करके उन्हें बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर, अपना खाना खत्म करो और सो जाओ। सुनो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैंने ऑनलाइन खाना मंगाया था, वो डिलीवरी वाला बहुत अजीब लग रहा था। क्या हुआ था? हेलमेट पहन रखी थी उसने। एसोसिएशन वाले को कितनी बार कहा है कि हेलमेट लगाकर किसी को नहीं आने दे। नीचे सिक्योरिटी नहीं है क्या? सुनील या जोसेफ जिसकी ड्यूटी थी आज। मैं जरा देखती हूँ, फोन मत काटना। नहीं 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 काटूंगा, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? मैं बाद में कॉल करती हूँ ठीक है? अभी क्या हो गया? वो अभी तक गया नहीं है। किसकी बात कर रही हो तुम? सर ये फोन मिला है। कंट्रोल ब्रावो वेटिंग जवाब दो। हमें क्राइम सीन से एक सस्पेक्टेड मोबाइल मिला है, उसकी डिटेल्स निकालने के लिए प्लीज साइबर सेल से वहां पर किसी को भेजो। सर कंट्रोल आंसरिंग ओवर सर। मैंने कब तुम लोगों को बुलाया था? सर इस जैसे केस के लिए साइबर सेल में तुम्हारे पास परमानेंट ऑफिसर्स नहीं है क्या? सर फोन ऑन हो गया। अब मैं फोन का लॉक खोलूंगा। सॉरी सर दीजिए। कैसा करो आदमी, जल्दी फोन लॉक खोल जल्दी। ऐसे नहीं एम है शायद। एम हेलो। हाँ एलबी तुम पहुंच गए क्या?
फ्रेंड्स भी हैं वहाँ। मैं नीचे आऊँ क्या? खाना तो है यहाँ पर, शेयर कर लेंगे हम। हाँ सर, सर हमने फोन अनलॉक कर दिया है। सर हमने कुछ ढूंढा है, बता सकते हैं? ढूंढा है? क्या ढूंढा है? सर ये मैडम 957 से 1007 तक अपनी मॉम से बात कर रही थी, वो सब फोन में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खाना ऑर्डर किया था तभी जब लाइट चली गई थी। सर उसके बाद इन्होंने 10:12 पर इन्होंने अपने हस्बैंड से बात की, वो भी फोन में रिकॉर्ड है। सर किस बात का डर? खाना खाओ और सो जाओ, मैं आता हूँ। सुनो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था, मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था, वो डिलीवरी बॉय बड़ा अजीब सा लग रहा था। क्या मतलब? सर अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो रात 10 से 10:30 के बीच चोर नहीं आते हैं। जिसने फूड डिलीवरी की थी उसका पता लगा और उसकी डिटेल्स चेक करो। सर मैंने डिलीवरी बॉय का नंबर लिया है। संजय सर मैं क्राइम स्पॉट से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर आपको एक नंबर भेजा है, क्या आप उसकी डिटेल भेज सकते हैं? ओके सर चेक करके बताता हूँ। सर ये नंबर है, इसकी डिटेल्स निकालिए। संजय सर जो नंबर तुमने भेजा है उसकी सारी डिटेल्स मैंने निकाल ली है, वो नंबर अभी बंद है। अरे नहीं सर, आप कॉल की लिस्ट भेज सकते हैं क्या? सस्पेक्ट का फोन अभी बंद है। जब हमने उसकी हिस्ट्री निकाली तो हमें पता चला कि वो पहले से ही इस क्राइम में शामिल है। लास्ट कॉल उसने एक नंबर पर 11:15 पर किया था। जिस नंबर पर उसने कॉल किया था उसकी करंट लोकेशन अंगमाली अलवा रोड है सर। ओवर। तबीयत ठीक नहीं लग रही सर, में जरा सा दर्द हो रहा है। शायद कोई गाड़ी हमें फॉलो कर रही है। ये तो पुलिस की गाड़ी है जी। चलो बाहर आओ। क्या हुआ सर? कहा ना बाहर आओ। बात क्या है सर? ये डैनी से तुम्हारा क्या संबंध है? कौन डैनी सर? कौन डैनी? जितना मैं जानता हूँ पिछले घंटे तुमने उससे 2 बार बात की है, व्हाट्सएप पर चैट भी किया है। अभी वो कहाँ है? सर मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी डैनी को नहीं जानता। सवाल तुम्हारे लिए नहीं था। बोलिए मैडम ये डैनी कहाँ है? हा? हा? वो आपसे हमेशा बात क्यों करता है? मैं उसे जानती हूँ सर। कैसे जानती हो? वो मेरी फ्रेंड का भाई है। कौन सी फ्रेंड? कविता डेविड, मैं और वो कॉलेज में बैचमेट थे। ये बैचमेट के भाई से तुम्हारा इतना लगाव क्यों है? इश्क है क्या? हा? नहीं नहीं सर नहीं। या उसके साथ कोई और संबंध है? ऐसा कुछ नहीं है सर। फिर? वो कभी कभी कॉल या मैसेज करता है। हम दोनों फ्रेंड्स हैं सर। लास्ट बारी जब बात हुई थी तो उसने क्या कहा था? उसने कहा कि उसके लिए मैंगलोर की ट्रेन टिकट बुक कर दूं बस। और किस लिए? मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है इसलिए। और फिर तुमने टिकट बुक कर दिया? नहीं सर, उसने कहा कि वो बस से चला जाएगा। सर एर्नाकुलम से मुकम्बिका के लिए बस अभी 2:30 निकलेगी, वो बस मैंगलोर होकर जाएगी। से जाने वाली मूक अंबिका की बस अभी पहुंची है? नहीं नहीं सर आज बस लेट है। पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा? आधा घंटा और लगेगा। ठीक है जरा ध्यान से उसे तलाश करो। सर हम यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करें सर। ओके सर
सर वहाँ से भी बाहर जाने का रास्ता है। ए, जरा उधर लाइट मारो। रेलवे पुलिस यहाँ मौजूद है, वो वहाँ नहीं जाएगा। पास करो। हाँ सर। सर यही है। जरा यहाँ ज़ूम करो। दासन वो मिल गया। देखो उधर है क्या? नहीं सर। सर वो मिल गया। यही है। डैनी, हाँ चले कहाँ? पकड़ो 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 उसे, पकड़ो पकड़ो, वो भागा। रोको सर, सामने से पकड़ो, रोको सर, पकड़ो इसको, पकड़ो सामने 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 से घेर लो। पुलिस भाग रही है सर, भाग रही है सर, भाग रही है सर, मैंने जैसा नहीं रहा। यही है सर, यही है सर। चुप सर, सर प्लीज सर, अपना मुंह बंद रख सर। मैंने सर मुझे मत मारो सर। चल कहानी बताना शुरू कर। सर मुझे कुछ नहीं पता है सर, मुझे क्यों मार रहे हो? सर इसका मोबाइल चेक करते हैं सर। मुझे कुछ नहीं पता है सर, माँ की कसम मैंने कुछ नहीं किया, उसे सब पता है सर। हमारे पास तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं, हमें मामा बनाने की कोशिश मत कर, समझा क्या? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आंटी के साथ जो भी चैट होती है उसकी डिटेल्स है हमारे पास। सच बोल, बोल, बोल। मैं सब बताता हूँ सर, बताता हूँ। सर मैं तो उस फ्लैट में खाना डिलीवर करके निकल गया था, पर जब मैं वहां पहुंचा तो एम्बुलेंस और लोगों की भीड़ देखी। मैंने एक बंदे से पूछा तो उसने कहा कि मैं जहां डिलीवरी करने गया था उस औरत पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया, इसलिए मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका और उसी समय मुझे वेनला के लिए ऑर्डर मिल गया था। तो मैं ककानंद गया, खाना लिया और डायरेक्ट वेनला के लिए निकल गया था। मैं वहां कई बार गया था, मुझे पता था वो बूढ़े कपल अच्छे लोग हैं, पर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा। मैडम मैडम भरोसा करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। बाहर निकलो। ए, चल बाहर निकल, चला। सर सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। आप कहो ना सर से। सर इस केस में मत बताओ सर। सर सर प्लीज सर। सर इसकी सांसें नहीं चल रही है, ये मर चुकी है। सर ये यहाँ है। सर।
अपराधी ने अपना जुर्म कबूल किया है। वेनामेला चर्च के पास ये घटना हुई है जिसमें दो मौतें हुई हैं। ऑफिसर इंचार्ज को भेजिए सर। हम वेनामेला में मिली दो राशि भेज रहे हैं, तुम्हें पता चले तो मुझे फोन करो। तुमने वेनामेला चर्च के पास जो दूसरी घटना बताई वो बिल्कुल क्लियर है। मर्डर की केस है और ये घटना। मैं फिर से आपको फोन करता हूँ। कंट्रोल ब्रावो, प्रक्रिया चालू करो और देखते हैं फिर रिपोर्ट में क्या आता है। ठीक है ठीक है। ये भी चोरी का केस है सर। अपराधी औरत के सारे जेवर लूटकर भाग गया। ये पक्का डैनी है सर, हमें बेवकूफ बना रहा है। इसका यहाँ कोई रिश्तेदार या परिवार है? नहीं सर। सर, जो औरत फ्लैट में मरी थी उसका नाम रईसा था। तहकीकात अभी चल रही है सर, सर को इन्फॉर्म कर दिया। सर, उसके फोन में कुछ डिटेल्स मिली है। सर, इन लोगों ने ऑर्डर प्लेस 10:30 पे किया था। सर, इत्तफाक की बात यह है कि उस लेडी को 10:30 हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस बात से साबित होता है कि डैनी ने 10:15 खाना कलेक्ट किया होगा। अगर ये सही है तो हस्बैंड और माँ के कॉल के बीच उस लेडी को खाना डिलीवर किसने किया? सर, अटैक का वक्त और डैनी ने जो हमें वक्त बताया उसके अकॉर्डिंग वो सही कह रहा है। हाँ सर, सर एरुम्बनम वेनिला इन दोनों टावर्स के नंबर बिल्कुल सेम है। कॉमन नंबर है। हाँ, मुझे उन नंबर्स की डिटेल्स चाहिए जो एरुम्बनम और वेनिला टावर से यूज हुए। इन दोनों क्राइम सीन पर डैनी के अलावा हमारे पास कोई और कॉमन लिंक नहीं। सर, मुझे लगता है दोनों क्राइम को उसी ने अंजाम दिया होगा। वो हमें गुमराह कर रहा है सर। पर साहब का तो कुछ और ही कहना है। हाँ, सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक्स सर। सर, इन दोनों घटना के वक्त एरुम्बनम और वेनिला टावर से एक कॉमन नंबर एक्टिव था। उसके बाद ये नंबर मूव करता रहा। मैंने नंबर की डिटेल्स ले ली है। कलमा सीरी में ये नंबर स्विच ऑफ हो गया। डिटेल्स से पता चलता है कि ये नंबर एक औरत का है, कविता डेविड। तरस का फोन देना। क्या नंबर बताया तुमने? 8281 8281 91 91 5667। कौन है ये? सर, ये मेरी बहन। तेरी बहन की? तुम दोनों मिलकर हमारे साथ गेम खेल रहे हो? क्या हुआ सर? कहाँ है वो? सर, अपने घर हो गए। एड्रेस? सर, कला मसेरी। सर, कला मसेरी। सर, मेरा भांजा अभी सोया नहीं होगा सर, वो डर जाएगा सर, प्लीज सर। ए, चुप कर। पुलिस है, दरवाजा खोलो। तुम दोनों पीछे के दरवाजे पर जाओ। क्या हुआ सर? आप कविता डेविड है? मैं हूँ सर। क्या हुआ सर? आपका फोन रात को 10:00 to 11:15 के बीच में एरुम्बनम और वेनिला के बीच में क्यों घूम रहा था, कुछ बताएंगी? नहीं पता सर, प्रेगनेंसी के दौरान मैं अपना फोन कम ही साथ रखती हूँ। मेरा फोन हस्बैंड के पास होता है। हस्बैंड कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारा? जॉनी। इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? यही पास में गया था सर। रात 10:00 के आसपास तुम्हें एरुम्बनम और वेनिला के बीच देखा गया था? नहीं सर, ये कल रात 8:00 से घर पे ही थे, ये कहीं नहीं गए। सच बोल रहा हूँ सर, कहीं नहीं गया, यहीं पर था। टीवी पर क्रिकेट देख रहा था और मैं 12:15 तक सो गया था। और अभी तुम कहाँ गए थे? मैं अभी बस स्टैंड पे किसी को छोड़ने गया था। किसे? अपने भाई को, जैक्स। वो पिछले हफ्ते से इधर ही है सर, वो टेक्नो पार्क तिरुवनंतपुरम में जॉब करता है। और अभी वो क्या करता है? वो सर क्या करता है उसके बारे में बताना मुश्किल है। सुना है वो वहाँ कॉल सेंटर में काम करता है, पर उसके जीने का तरीका अमीरों जैसा है सर। जबकि उसको वहाँ 3-4 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है कॉल सेंटर में सर। उसने ऐसे ही कहा था सर, पर क्या बताऊँ सर, उसने कुछ पैसे मुझसे भी उधार लिए हैं। कितने? तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा। पिछली बार जब मैंने उससे पैसा मांगा तो वो मुझसे झगड़ा करने लगा सर। कल रात वो घर से बाहर गया था? वो दरअसल ऐसा ही आता जाता रहता है सर, वो हर दिन देर रात। मैंने तुझसे कल रात के बारे में पूछा। कल रात वो बाहर गया था, लगभग 12:30 तक घर लौटा था वो। वो इसी स्कूटर से बाहर जाता था? हाँ सर, जब वो यहाँ होता है तो इसी स्कूटर से जाता है। और मैडम के मोबाइल का क्या? उसका सिम कार्ड ब्लॉक हो गया है तो इसी का नंबर यूज करता है सर।
इनकी सारी डिटेल्स नोट करो। ठीक है सर। तुम दोनों मिलकर ही गुनाह करते थे ना? नहीं सर, मेरा भरोसा करो। हाँ ये सच है कि वो मेरे रूम पर आता था सर, वो बड़े बड़े नामुमकिन प्लान्स की लिस्ट लेकर आता था। अपने साथ काम करने वाली लड़की से उसने पैसे उधार लिए थे, वो सारे बिटकॉइन या किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहता था। अब वो लड़की अपने पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी है। लड़की के हस्बैंड ने उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी की है। अगर तू उससे नहीं मिला था तो वो तुझसे पहले उन जगहों पर कैसे पहुंच जाता था? बेवकूफ समझाया क्या मुझे? यही तो मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ सर, वो मेरे साथ एक दिन खाना डिलीवर करने आया था। उसे मेरे साथ आने में बड़ा इंटरेस्ट था सर। तो उसे तू अपने साथ क्यों ले गया, सच सच बता मुझे। सर वो मेरे साथ आने के लिए मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने सोचा अगर वो मेरे साथ चलेगा तो शायद हवा पानी बदल जाएगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। नहीं जानता मतलब? मेरा भरोसा करो सर। क्या हम इसका फोन दोबारा चेक कर सकते हैं? वो कौन सी ऑफिस में काम करता था? टेक्नो पार्क सर। ये तो सस्पेक्ट ऐप है, जरा देख इसे। जरा मैं सर्च करता हूँ। इसमें तो मोबाइल स्पाई है, जरा तो इसे ध्यान से देख तो। सर इसके फोन में मोबाइल स्पाई नाम का एक अनऑथराइज्ड ऐप इंस्टॉल है। सर जो भी इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता है वो किसी और फोन से इस फोन के ऐप एक्सेस कर सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप और कई तरह के एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है। हे जैक, तू मेरे फोन से दिन भर क्या करता रहता है? भाई अपने ये सारे बकवास प्लान भूल जा, मेरी तरह कुछ अच्छा काम धंधा कर, पैसे भी मिल जाएंगे। ए, कहां की बस पे छोड़ के आया हो तुम उसे? सर तिरुवनंतपुरम की बस में। ब्रावो 18 रिस्पोंडिंग। यस नोटेड। 18 से 25 की उम्र का एक लड़का अलवा से तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट बस से निकल रहा है। हेलो KSRTC। सर साइबर सेल कोची से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। एक केस के रिगार्डिंग कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ। सर अलवा से तिरुवनंतपुरम जाने वाली 4 बजे की बस के ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर मुझे चाहिए। ठीक है सर। अर्जेंट चाहिए सर। सर तिरुवनंतपुरम के बस ड्राइवर का नंबर है। हेलो कोची साइबर सेल से बोल रहा हूँ। साइबर सेल? हाँ सर। सर घबराओ मत। सर हमें शक है कि कोची में जो मर्डर हुआ था उसका आरोपी इस वक्त आपकी बस में ट्रेवल कर रहा है, हमें उसकी डिटेल्स चाहिए इसी वक्त। इस गाड़ी में? हम आपको फोटो व्हाट्सएप कर रहे हैं। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि वो बस में है या नहीं? फोन मत काटना, होल्ड पर रखो। हाँ। मैं फिर से कॉल करता हूँ, आप चेक करके बताइए। ठीक है सर। ऐसा आदमी इस बस में नहीं है सर, शायद आप गलत बस में ढूंढ रहे हैं। ओके सर। ओके सर। ओके। सर सर सर, कंडक्टर ने बताया कि वो बस में नहीं है, शायद वो किसी दूसरी बस में बैठ गया होगा। हमने आलुआ स्टैंड पर कॉल किया था और कंडक्टर का नंबर भी लिया था, उसने बताया ऐसा आदमी बस में नहीं है। शायद उसने बस बदल ली है। ये उसका फोन आया। हेलो सर, वो बस में ही है, मेरे बगल में बैठा है, जल्दी आइए सर। मिल गया भाई। सर वो उसी बस में बैठा है, जल्दी चलो। कहाँ गया वो? सर वो उस तरफ भागा है, हम उसे पकड़ नहीं पाए। मिला वो? हाँ इधर ही कहीं होगा, ढूंढो उसे। सर वो इधर बिल्कुल नहीं जा पाएगा सर, पक्का उधर ही गया होगा। उधर देखो सर, हमें उधर से आवाज सुनाई दी है सर, वो पक्का यहीं कहीं होगा सर। चलो चलो देखते हैं, उधर टॉर्च मारो, उधर इस तरफ उधर तो नहीं है। वो पक्का यहीं कहीं होगा, मिलेगा। सर संभल कर, यहाँ पर सांप बिच्छू होंगे। सर गेट खुला है सर, शायद वो इधर से ही भागा होगा। गेट खुला है सर। पक्का यहीं कहीं होगा। एक काम करो, तुम दोनों तरफ जाओ,
तुम उस तरफ से जाओ, तुम आगे चलो। जरा संभल कर आगे बढ़ना, ध्यान से। इधर देख। दानिश उधर है क्या? है? हे दासन, इधर है। सर, इस तरफ। जल्दी आइए। सर, तू भाग के उसे पकड़। क्या हुआ सर? हमला किया? भाग गया क्या? जल्दी करिए सर। सर जल्दी सर। कमीने, पुलिस पर हाथ उठाना है, हमसे गेम खेलेगा? हम से भाग नहीं पाएगा कमीने, हमसे गेम खेलेगा तू? छोड़ो मुझे, ले चलो चलोट चलोट, तेरी खाल खींचते। चल जल्दी चल, अंदर डालो कमीने को। तुझे लगता है तू हमसे भाग पाएगा? चलो चलो जल्दी करो। हाँ सर चलते हैं। वो दोनों आ गए, उनका नाम क्या है? ए! चल देखते हैं। हाँ हाँ सर। हाथ कैसा है? हाँ ठीक है सर। गाड़ी में बैठो, तो मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। नहीं सर, हमारे पास बाइक है, हम चले जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? एंथनी विनय दास। चलो। सर आ जा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हॉस्पिटल गए थे? जी सर। दास जी, तो क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस थोड़ी नींद लेंगे, आज छुट्टी मिल जाती तो। शरीर में थोड़ा दर्द है। ये बात नहीं है, मैंने तुम्हारे फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा है। बस ऐसे ही चलता रहे। जो है जरा मेरे पास आओ। पियोगे? नहीं सर। तुम लोग कब तक ऐसी बेकार की नौकरी करते रहोगे? सरकार KSRTC और KSEB से टेम्परेरी एम्प्लॉयज को हटा रही है, और ये प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। आप हमें यहाँ से निकाल रहे हैं सर? हाँ, यहाँ बेइज्जत होने से अच्छा है और कहीं अच्छा काम कर लो, जाओ। नहीं सर, हमें यहाँ काम करना पसंद है। किसी भी तरह हमें यहाँ रोक लीजिए, हमें सैलरी नहीं चाहिए। हाँ प्लीज सर। नहीं दोस्त, ये सरकार का ऑर्डर है सर। सुनो, जाओ तुम लोग।
कोई बात नहीं सर, पर लोगों के सामने बेइज्जती होगी हमारी, इसीलिए। यही हमारी प्रकृति का नियम है। जाओ कुछ अच्छा काम करो, जाओ। सर लाइफ में हर जगह रुकावटें होती हैं, है ना? जो इन रुकावटों का सामना करते हैं वही लाइफ में सक्सेस होते हैं। नई कहावत है, तूने कहाँ से पढ़ी? मेरे कमीने दोस्त ने बताया था, पर सच है। आपको आसमान कर Thank you.